और कभी अल्लाह बन जाता है खलीफा इंसान। अब वही होगा यहां भी, लोगों की राय से जब इंतखाब होगा खलीफा का, तो गोया कि अपनी अपनी खिलाफत आपने उसके हवाले कर दी, वो अब खलीफा बन गया शख्स। दोनों की एनोलॉजी है, समझ लीजिए उसको। पहले हाकमियत अफराद की, अब हाकमियत अवाम की हो गई। पहले खिलाफत इंफरादी थी, शख्सी थी, अब वो अवामी हो गई मुसलमानों की। तो ये चंद बातें तो वो है कि जो मैं पहले बयान कर चुका हूं, आज मैंने दोहराया है। अब आगे चलिए, मुझे एक खत भी इस दौरान में, मैंने आपको बताया था कि मौसूल हुआ है, तवील और एक काबिल एहतराम शख्सियत की, बड़े मुखलिस हैं और खिलाफत को के ख्याल को और उसके नजरियात को फैलाने बहुत अरसे से बड़ी हिम्मत कर रहे हैं, लेकिन रिसाला भी निकाल रहे हैं। उन्होंने कुछ एतराजात किए, बुनियाद क्या थी कि आप इन इस्तलाहात को क्यों इस्लाम के अंदर दाखिल कर रहे हैं। उनकी बात वजनी है, उसका समझ ये कि मेरा मौकफ क्या है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस्लाम एक कामिल निजाम है, उसकी अपनी इस्तलाहात, किसी दूसरी आइडियोलॉजी या किसी दूसरे निजाम से इस्तलाहात मुस्तार लेकर इस्लाम में आप दाखिल करेंगे तो खतरा है कि उन इस्तलाहात का जो तसव्वुर उनके अंदर है वो भी इस्लाम में कहीं आ जाएगा, उन इस्तलाहात के हवाले से लोगों के जहनों में वो तसव्वुरात भी आ जाए। एक तरफ ये हकीकत है, हमें कोई दूसरी इस्तलाहात इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, इस्तलाहात कुरान और सुन्नत के। दूसरी तरफ एक उतनी ही बड़ी हकीकत यह है, दौर में जो इस्तलाहात आम हो जाती है, लोगों के ज़हनों तक इबलाग उसके बगैर मुमकिन नहीं होता। आपको जो रायजुल वक्त हो उनके हवाले से बताना पड़ता है, भाई ये यूं यूं है, ये नहीं है, ये है, जब उनकी ये है जो कुफर है, हमारी ये है जो कुफर नहीं है। ये बात जो है, इन इस्तलाहात का इस्तेमाल इबलाग लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए। ये जो आज कहा जाता है कि उलमा की बात लोगों की समझ में नहीं आती, नहीं आती, वो कदीम इस्तलाहात में बात करते और लोग जो है आम पढ़ा लिखा आदमी उन इस्तलाहात से वाकिफ। उलमा तो अपने आप अपने दरमियान कम्युनिकेट कर लेंगे, उन इस्तलाहात में बात करेंगे और समझेंगे, आवाम नहीं समझ सकते। इस एतबार से दावत के काम के लिए, इबलाग आम्मा के लिए हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर एक जमाना था हमारे यहां जब जमहूर इस्लाम और सोशलिज्म की जंग जारी थी, नोटों का जमाना याद कीजिए, उससे पहले की तहरीकें जो चल रही थी, तो उसमें यह है कि उलमा इस्लामी जमहूरियत की सलाह को इस्तेमाल करते थे, इस्लामी सोशलिज्म को कहते थे कुफर है। मैंने उस वक्त भी कहा कि या तो आप इस्लामी जमहूरियत भी ना कहें, और या अगर इस्लामी जमहूरियत की तरह इस्तेमाल करते तो इस्लामी सोशलिज्म भी सही है। उसकी वजह क्या है? देखिए, जमहूरियत, उस पर सबसे पहली किताब जो लिखी गई है वो हुजूर से 1000 साल पहले लिखी गई, प्लेटो की, अफलातून की किताब, और किताब इतनी वजनी है कि आज तक जिंदा है, आम की दुनिया में उसका वजूद नहीं रहता। लेकिन अफलातून तो लफ्ज ही अफलातून जो है बड़ा अफलातून बना, तो अफलातून तो हमारे मुहावरा है, तो बहुत बड़े आकिल और बड़े फलसफे के लिए, उसकी किताब रिपब्लिक। लेकिन सबसे पहली रिपब्लिक मोहम्मद ने कायम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मतलब? खिलाफत में किसी खानदान की हुकूमत नहीं है, कोई आमरियत, कोई खुद जो है ताकत से आकर मुसलमान है, वो नहीं है। खिलाफत में तो जाहिर बात है मशवरे से, लोगों के मशवरे से खिलाफत कायम होगी, यही तो रिपब्लिक है, और किसे कहते हैं? पब्लिक के हवाले से आपका कायम होना, ये खिलाफत। इस एतबार से वो जो किताब, अगर थी उसका निजाम कुछ और था जो उसने दिया है रिपब्लिक में, लेकिन ये कि जमहूरियत तो थी उससे,
तो वो जो है असल में फर्स्ट रिपब्लिक गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे सोशलिज्म, शुरू में तो लफ्ज कम्युनिज्म बहुत चला था, फिर उसके बाद थोड़ा सा हटा मामला तो सोशलिज्म पर आ गए। सोशलिज्म जिन मकासद को पूरा करना चाहता है वो सबसे पहले खिलाफत ने पूरे किए। सबसे पहले दुनिया में इस्लामिक सोशलिस्ट स्टेट कायम हुई है खिलाफत राजकल। सोशलिज्म कहते किसे? मुल्क की दौलत पर किसी खास तबके की इजाराधारी ना हो, बल्कि आवाम के तक जो है तकसीम दौलत का निजाम मुनसिफाना हो। यह नहीं है कि एक तबके के पास दौलत जमी होती जा रही है और एक तबका जो है मफलूक होता जा रहा है। सोशल अवामी, सब तक जो भी अल्लाह ने दिया है इस मुल्क के अंदर, जो भी वसाइल हैं, जो भी खैरात हैं अल्लाह की तरफ से, जो भी इस यहां पर बरकतें रखी गई हैं, उनमें हिस्सेदार होना चाहिए पूरी कौम को। थोड़ा बहुत फर्क, कोशिश ज्यादा मेहनत कर रहा है वो उसने ज्यादा कमा लिया, जो कम कर रहा था वो तो वो बिल्कुल बराबर, वो तो खुद दुनिया में कभी हुआ है ना हो सकता है। लेकिन ये है कि ये न हो कि दौलत का इर्तिकाज हो जाए खास हल्के में। कैला यकून दूलतम बैन लगनियाए मिनकुम, ये उसूल दिया था कुरान ने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दौलत तुम्हारे दौलतमंदों ही के अंदर रहे, इसे फैलना चाहिए। और नंबर दो, ये है असल सोशलिज्म, हर शहरी की बुनियादी जरूरियात की किफालत की जमानत रियासत को देनी। हद है ये कि हजरत उमर फरमाते हैं कि अगर दजला और फुरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा मर गया तो मैं जिम्मेदार हूं कयामत के दिन। गुजा के इंसान आज यही तो है, सोशलिज्म ने क्या किया है? कोई शख्स जो है बुनियादी जरूरियात से महरूम नहीं रहेगा। ये अब कैपिटलिज्म के साथ जुड़कर जो आजकल सोशल डेमोक्रेसी जिसे कहा जा रहा है, सोशलिज्म, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, वहां का वेलफेयर निजाम देखिए, वहां लोगों की मुसावात देखिए। जहां मलका का बेटा पढ़ेगा वहीं जो वेलफेयर पर पढ़ रहा भिखारी है उसका बेटा भी वहीं पढ़ेगा। कोई दो निजाम नहीं है, कोई एलीट के लिए अलहदा और कोई आम आदमी जो आप बच्चों के लिए, वहां पर वो दरिए भी मौजूद ना हो और वहां वो पढ़ रहे हो अमेरिका के अंदर, ये क्या है? और जहां मलका का इलाज होगा, ये मैं डेनमार्क की बात कर रहा हूं, मैं चूंकि वहां होके आया हूं, देखा सारा मामला, वहीं पर एक आम आदमी का इलाज भी होगा, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल बराबर। हां, सिर्फ इतना किया था उन्होंने कि मलका साहबा के लिए एक कमरा हॉस्पिटल में मखसूस कर दिया था, हो सकता है कोई इमरजेंसी हो जाए मलका को और उस वक्त हॉस्पिटल में जगह ना हो, बस एक कमरा मखसूस रहेगा, खाली रहेगा उसके लिए, बस बाकी इलाज वही होगा जो आम आदमी का हो रहा। तो आखिर ये सोशलिज्म वगैरह दुनिया में आया है, लेकिन सबसे पहले तो उसकी रियासत कायम की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल में यही वो बात है कि जो शेर तो हम पढ़ते हैं लेकिन गहराई में नहीं जाते। हर कुजा बीनी जहाने रंगो बू, तुम जहां कहीं भी दुनिया में खैर देखोगे, भलाई देखोगे, अच्छा रंग हो तो आदमी को अच्छा लगता है, अच्छी खुशबू हो तो अच्छा लगता है ना। हर कुजा बीनी जहाने रंगो बू, आंख अज खाकश बरोयद आरजू, वो खूबियां के जिसकी खाक से आरजू परवान चढ़ती है इंसानों के उमंग, याद नूए मुस्तफा उरा बहास्त, या तो ये सारी रोशनी मुस्तफा की अता करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रिपब्लिक निजाम किसने दिया है? मोहम्मद ने दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हां, तुमने उसके साथ कुफ्र जोड़ दिया, ये बात तुमने की है, तुमने उस हाकमियत को अवामी बना दिया, ये कुफ्र कर दिया जो निजाम दिया था मोहम्मद ने, तो जमहूरियत का निजाम था, रिपब्लिक था। यही अल्लामा इकबाल ने अपने लेक्चर में कहा है, रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी क्लोज टू इस्लाम, और सही कहा, मैं मानता हूं। तो इस एतबार से हर कुजा बीनी जहाने रंगो बू, ये लॉ इंसानी की तरक्की है ना। अब आप देखिए अमरीका के अंदर
एक इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद एक सदर निकल गया, दूसरा सदर दाखिल हो गया। कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई उस पर दंगा को फसाद, हुकूमत छोड़ के जाना को आसान काम है। 8 बरस तक जिसने हुकूमत की थी, बस वो फैसले के बाद कब बाहर आ गया। तो ये चीजें हैं ना, ये उनकी अचीवमेंट्स हैं। लेकिन ये सब क्या है? ये सब मोहम्मद की देन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर को जा बीनी जहाने रंगोबू आंखे अस खाकश ब्रोयद आरज़ू या से नूरे मुस्तफा उरा बहास। या तो नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्तार है ये रोशनी, ये नूर। या हुनूज अंदर तलाश मुस्तफा, या अभी नौ इंसानी अभी तलाश मुस्तफा में आगे बढ़ रही है। बहुत से पहलू अभी ऐसे हैं कि जो मुस्तफा ने दिए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी तक नौ इंसानी वहां नहीं पहुंचे। दो ही रास्ते हैं, या तो जो कुछ है वो मुस्तफा की अता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और या ये कि अभी जो कमी है वो इसलिए है कि अभी नूर मुस्तफा के उस हिस्से से इंसान ने इस्तिफादा नहीं किया है। बहरहाल ये है असल में मेरा मौकफ। मैंने उस वक्त भी कहा था, ये तो बात मैं कर रहा हूं ना, सन 68, 69, 70, 71, ये जब बहुत राइट और लेफ्ट, दाएं और बाएं, राइटिस्ट लेफ्टिस्ट, ये और सोशलिज्म का नारा, और फिर वो इस्लाम के लिए वो बड़े बड़े जुलूस निकले थे शौकत इस्लाम का, ये सारे कुछ याद है कि नहीं की चीजें? उस वक्त क्या था? ये था कि जमहूरियत तो इस्लामी हो सकती है, सोशलिज्म बिल्कुल गलत बात है। उसी इकबाल ने जिसने कहा है कि रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी क्लोज टू इस्लाम, वही कहता है मार्क्सिज्म प्लस गॉड इज इक्वल टू इस्लाम। मार्क्सिज्म का जो निजाम उसने दिया था उसमें खुदा को शामिल कर दो अगर, तो यही इस्लाम बन जाए। जब वहां से खुदा को निकाल दिया, वो कुफर है, वो शिर्क है। तो ये चीजें दर हकीकत मैंने आपके सामने रखी है उसूलन। हाँ, ये करना चाहिए कि दूसरों तक, आवाम तक बात पहुंचाने के लिए तो जदीद इस्तिलाहात इस्तेमाल हों, लेकिन कोई अगर तंजीम है इस्लामी वो रिवर्ट करे असल इस्तिलाहात की तरफ, और वो इस्तिलाहात असल जो होगी वो कुरान और सुन्नत की होगी, क्योंकि दूसरी इस्तिलाहात के हवाले से खामखा गलत तस्वुर भी उसके साथ जो शामिल कर दिया गया है, जमहूरियत का जो तस्वुर आज दे दिया गया वो आ जाता है जहन के अंदर। लिहाजा जरूरत एक है इबलाग की, लेकिन फिर एहतियात की भी जरूरत है। तो ये चंद बातें तो मैंने इस बारे में कही हैं। अब आप मैं जरा उस खिलाफत के नक्शे के बारे में कुछ मजीद लाना चाहता हूं आपके सामने। देखिए, एक आयत मैंने आपको पढ़कर सुनाई है, सूरह हुजरात की पहली आयत, या अय्युहल लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउल अलीम। अब इसका मतलब क्या है? अहले ईमान, अल्लाह उसके रसूल से आगे मत बढ़ो, अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। इस आयत में यूं समझिए कि इस्लामी रियासत के अंदर लेजिस्लेशन का जो दायरा है, जो तसव्वुर है, वो दे दिया गया। सूरह हुजरात जो हजरात भी मेरा मुंतखब निसाब उन्होंने पढ़ा है, सुना है, ये इस्लामी रियासत के ही खदो खाल पर मुश्तमिल है। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी क्या होगी इस्लामी रियासत में, खिलाफत में? विद इन द लिमिट्स ऑफ किताब एंड सुन्ना, उसको क्रॉस नहीं कर सकते आप। अब इसकी वजाहत के लिए बेहतरीन एक मैंने हदीस दुनिया में पेश की हमेशा, अभी आपको सुनाई, हजरत अबू सईद अल-खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुस्नद अहमद में दो रिवायतें मौजूद हैं, इसके थोड़े से लफ्जी फर्क के साथ। मोमिन की मिसाल उस घोड़े की सी है जो एक खूंटे से बंधा हुआ है, चलता है, फिरता है, इधर जाता है, फिर खूंटे की तरफ आ जाता है। क्या मतलब है इसका? देखिए, एक घोड़ा है जो बंधा हुआ नहीं है, और जिधर चाहेगा जाएगा, जितनी दूर चाहेगा निकल जाएगा, भाग जाएगा। एक घोड़े को आपने बांधा हुआ है, वो पाबंद हो गया। बंदे मोमिन पाबंद है, आजाद नहीं है। अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह के अहकाम के पाबंद, रसूल को मानते हो तो रसूल के फरमूदात के पाबंद, कुरान को मानते हो तो कुरान के पाबंद, पाबंदी है ना। ये बंधे हुए घोड़े की मिसाल है, खुले की नहीं। अलबत्ता इसी मिसाल को जरा मैं एक्सटेंड करता हूं तो समझिए
खुला मैदान है, आप चाहते हैं घोड़ा भागे दौड़े भी, वरना शाही को और उसे जमहूरियत का रंग दे दिया है, वो इंडिविजुअल सॉवरेंटी की बजाय पॉपुलर सॉवरेंटी, कलेक्टिव सॉवरेंटी, वो शिर्क जू का तू है, कुहर जू का तू है। और ना मुझे इश्तराकियत से कोई अंदेशा है, कब डरा सकते हैं मुझको इश्तराकी कूचागर्द। हाँ है अगर कोई खतर मुझको तो इस उम्मत से है जिसकी खाकिस्तर में है अब तक शरारे आंसू। ये जो जज्बा था और ये जो तड़प थी, ये अगरचे पूरे आलम इस्लाम में थी लेकिन कहीं भी उसकी कोई कामयाबी की सूरत नजर नहीं आ रही थी, जज्बा मौजूद था। उस वक्त ऐसा हुआ कि जिहाद अफगानिस्तान को एक तो इस जज्बे ने सपोर्ट किया और ये जज्बा खिंच कर आया कि शायद हाँ अफगानिस्तान के अंदर अब ये काम अमलन हो जाएगा, इसलिए पूरी दुनिया से लोग आए, वॉलंटियर्स आए, उन्होंने जाने दी, उन्होंने वहां पर मेहनतें की, अपने कोई इंडोनेशिया से चला आ रहा है, कोई बर्मा से चला आ रहा है, कोई फिलिस्तीन से चला आ रहा है, कोई फिलिपाइन से चला आ रहा है, कोई थाईलैंड से चला आ रहा है, कोई सऊदी अरब से चला आ रहा है, कोई मिस्र से चला आ रहा है, कोई लीबिया से चला आ रहा है, कोई चेचनिया से चला आ रहा है, ये सारे लोग आए वहां। इसलिए कि जज्बा ये कहा गया कि ये जिहाद फी सबीलिल्लाह है। मैं वादे कर चुका हूं कि मेरे नजदीक वो जिहाद फी सबीलिल्लाह नहीं था। जिहाद फी सबीलिल्लाह की जो शराइत है वो ये है कि पहले दावत और उसमें इत्माम हुज्जत, फिर जो दावत को कबूल करें उन्हें मुनज्जम करना, डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में लाना, एक अमीर के ताबे होकर उससे बैठ करके, और फिर यह कि उनकी तरबियत, उनका तस्किया, तस्किया यह हो कि दिल में सिवाय अल्लाह की रजा के कोई और जज्बा बाकी ना रह जाए। यह माल और दौलत दुनिया ये नहीं, कुछ नहीं, ना हुकूमत ना सियादत, सिर्फ अल्लाह का, अल्लाह की रजा। और यह कि जज्बा इतना उभर आए कि तन मन धन हत्ता के जान देने के लिए तैयार हो जाए। ये सारी शराइतें जिहाद फी सबीलिल्लाह की। जाहिर बात है कि वहां पर तो जो एकदम हमला हो गया और उसी फौजी आ गए तो ना इन काबों का मौका था ना इसके लिए वक्त था, वो लोग खड़े हो गए। ये जिहाद फी सबीलिल हुर्रियत था, आजादी का जिहाद। और मुसलमान जब आजादी का जिहाद करता है तो वो भी जिहाद फी सबीलिल्लाह ही की एक किस्म है, जायज जिहाद है, उसमें जान देना भी शहादत है। अगरचे वो जो एक मुस्बत जिहाद फी सबीलिल्लाह वो तो हमें सीरत सहाबा और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसका पूरा नक्शा मिलता है। बहरहाल एक तो यह कि वो कशिश उनको खींच कर लाई, दूसरी तरफ अमरीका ने वो ये चाहता था कि उसे नजर आ गया कि रूस से एक तो जो बड़ा पुराना अकाउंट है, यानी ये कि जो वियतनाम में रूसियों के हाथों शिकस्त खाई थी अमरीका ने और भागा था वहां से, तो गोया कि उसका बदला लेने का ये सुनहरा वक्त आ गया है, इससे भरपूर फायदा उठाया जाए। और ये कि अगर हो सके तो शायद इस हद तक भी उनके ख्याल में हो कि यूएसएसआर को खत्म कर दिया जाए। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं था, वो ये नहीं समझते थे कि यूएसएसआर खत्म हो जाएगा, लेकिन यह कि बहुत कमजोर हो जाएगा और ये कि उसकी ब्लीडिंग हो जाएगी। इसके लिए उसने इस जिहाद का गलगला दूसरों से बढ़कर, मुसलमानों से बढ़कर जो है दुनिया में बुलंद किया और इन जिहादी लीडरों का किरदार बनाया पूरी दुनिया में, उनकी शख्सियत की इमेजेस बनाई है। अहमद शाह मसूद को द लॉयन ऑफ पंजशेर, पूरी दुनिया के अंदर उसके बारे में जो है वो धाक बिठाई गई ताकि ये लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाए, वॉलंटियर मिल जाए। हमारा आदमी तो कोई नहीं मरेगा, हम तो पैसे देंगे और हथियार देंगे, मरेंगे ये मुसलमान मरेंगे, चाहे वो अफगान है चाहे बाहर से आने वाले हैं। तो वो जो गलगला जिहाद का था और उसमें गोया के एक तरह से अमरीका के इस एजेंडे को ना जानते हुए न समझते हुए गोया के लाइल्मी में जो तकवीत पहुंचाई वो ऐसे लीडरों ने जिनमें बिन लादेन भी हैं, वो जिहाद के लिए लोगों को खींच खींच कर आलम मबारिक से लेकर आए, उनमें अब्दुल्ला इब्न अज़्ज़ाम भी थे शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उन्हीं में उमर अब्दुल रहमान है जिस वक्त अमरीका की जेल में पड़े हुए। ये सब लोग क्या थे, जिहाद के नाम पर दुनिया से लोगों को लेकर आ रहे थे और इसमें गोया के ना जानते हुए अननोइंगली वो अमरीका के आलय कार बन रहे थे। बहरहाल इसमें नतीजा जो निकला, मुजाहिदीन जब मुजाहिदीन को फतह हो गई, जाहिर बात है इसमें दोनों फैक्टर्स इनमें रखिए, सिर्फ मुजाहिदीन की सरफरोशी और जाफिशानी नहीं, अमेरिका के हथियार ने यकीनन उसमें एक बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले किया, खसूसन ताजा तरीन हथियार स्टिंगर मिसाइल जिसे दुनिया जानती नहीं थी वो दे दिया। और असल में जो रूसी फौज जो है दिल बर्दाश्ता होकर भागी है
उसमें स्टिंगर मिसाइल का बहुत बड़ा दखल था, क्योंकि उनका सबसे बड़ा हथियार था जो वो गनशिप हेलीकॉप्टर्स लेकर आते थे, और वो जाहिर बात है जहां पहाड़ों के ऊपर भी मोर्चे लगाए हुए थे वहां जाहिर बात है टैंक तो नहीं पहुंच सकते थे, कोई और बमबारी वहां करना मुश्किल थी, तो ये गनशिप बड़े जहाजों से बहुत नीचे आकर बमबारी भी मुमकिन नहीं थी, तो गनशिप हेलीकॉप्टर से जो बमबारी वो करते थे फायरिंग करते थे वो उनका उनका सबसे बड़ा हथियार था, और उसको बिल्कुल खत्म करके रख दिया स्टिंगर मिसाइल ने। कि मिसाइल आपने दागा है तो वो ये नहीं है कि हदफ से अगर ना लगे हदफ पर तो इधर उधर हो जाएगा, नहीं, जिधर वो हदफ जाएगा उसका पीछा करेगा, उसके पीछे पीछे जाएगा, जिधर वो मुड़ेगा उधर वो मुड़ जाएगा। दुर्माल कुफ्र है सोदार, जैसे वो कुफ्र जो है जो रुख मोड़ ले तुम भी रुख मोड़ लो, और वो तबाह कर देता था गनशिप। तो ये बहरहाल जो भी शिकस्त हुई रूस को और वहां से वह चला गया, तो उसके बाद अमरीका भी फौरी तौर पर वहां से गायब हो गया। उसने मुजाहिदीन के अंदर ग्रुप बंदी, बाहमी कशाकश, यहां तक के बाहमी दुश्मनी के भी बीज बो दिए थे, और इसमें आईएसआई भी रोल उसने प्ले किया है। आईएसआई ये चाहती थी कि यहां कोई एक मजबूत ऐसी हुकूमत न बन जाए कि जिसको जो हमारे फिर कंट्रोल में न रहे, लिहाजा आईएसआई वालों का जो भी रोल होगा होगा नियति से पाकिस्तान के लिए। लेकिन ये मुझसे एक मुजाहिदीन लीडर में से एक साहब ने खुद कहा कि हमें लड़वाया आईएसआई ने, मैं नहीं कह सकता कितनी इसमें दुरुस्ती है और कितनी गलती है, लेकिन अमरीका ने यह किया कि लड़ाकर इनको बजायज के कोई हुकूमत वहां कायम करवाता और आराम के साथ वहां से रुखसत होता उस हुकूमत को मुस्ताकम करके, जैसे कि वो अपना सर तोड़ जोर लगा रहा है इराक के अंदर कि यहां कोई हुकूमत जो है वो कायम हो जाए मुस्ताकम हो जाए, फिर यहां से हम रफ्ता रफ्ता निकले। वो फौरन भाग गए आपस में वो जो है दुश्मनी के बीज बोकर। नतीजा क्या निकला, वो जिहाद फी सबीलिल्लाह फसाद फी सबीलिल्लाह बन गया। वो तबाही आई है अफगानिस्तान पर जो पहले नहीं आई थी, रूसियों के हाथों नहीं आई थी, खासतौर पर काबुल में असल तबाही और बर्बादी जो खाना जंगी से आई है। और उसका एक और नतीजा ये निकला कि मुख्तलिफ इलाकों में वार्ड लॉर्ड्स ने अपनी छोटी छोटी हुकूमतें रियासत कायम कर ली। वार्ड लॉर्ड्स हथियार उनके पास हैं, और वो हथियार जो है इस जंग के अंदर अमेरिका के दिए हुए उनके पास बहुत काफी जो है अभी मौजूद थे, उनका असलाह खाना था, तो अपने इलाके मुअय्यन कर लिए। और वहां ये है कि उन्होंने टैक्स लेने शुरू किए, जग्गा टैक्स, जो भी गाड़ी गुजरे, बस गुजरे, कोई मिनी बस गुजरे, कोई टैक्सी गुजरे, टैक्स दो। यहां से निकलकर अगले में गए तो वहां फिर टैक्स दो, वहां से निकलकर अगले कोई वारलॉर्ड का इलाका गया वहां टैक्स दो। और न सिर्फ ये कि टैक्स, बल्कि वो ये भी कहा जाता है कि वो खूबसूरत औरतों को भी उतार लेते थे और खूबसूरत लड़कों को भी उतार लेते थे। ये जो सूरत हाल थी इससे अफगान लोगों का के नाक में दम आ गया, सब परेशान हो गए। अच्छा, ये जो मैंने कहा है कि ये अमेरिका ने जो मुजाहिदीन की क्यादत थी उसे आपस में लड़ाकर फिर यहां से भाग जाने के अंदर आफियत समझी, उसकी वजह यह थी अमेरिका को अंदेशा था कि ये लोग पढ़े लिखे जदीद तालीम याफ्ता हैं, ये इंजीनियर्स हैं, गुलबदीन हिकमतयार, अहमद शाह मसूद, उस्ताद रब्बानी बड़े आलिम हैं, फाजिल हैं, अब्दुल रसूल सयाब अल अजहर के पढ़े हुए थे, इसी तरीके से सिबगतुल्ला जो हैं वो भी बड़े आलिम आदमी थे और पढ़े लिखे आदमी थे, जदीद तालीम याफ्ता भी और कदीम जदीद याफ्ता भी। तो इस एतबार से उन्हें अंदेशा था इन लोगों की हुकूमत बन गई अगर तो ये एक मॉडर्न इस्लामिक स्टेट बना देंगे, और ये वो शय है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा नापसंदीदा मामला होगा, इसलिए कि अगर वाकई तरह की मॉडर्न इस्लामिक स्टेट वजूद में आ गई तो हमारे निजाम का खात्मा हो जाए। वो तो ये कि सूरज तुलू होता है तो तारीकी तो जाएगी, रात को तो जाना ही जाना है, वो तो जब तक सूरज तुलू नहीं होता रात की तारीकी है, ये उन्हें अंदाजा था खूब। बहरहाल इसलिए उन्होंने खास तौर पर इनको आपस में लड़ाया भी। उसके बाद यह है कि जब अफगानिस्तान के लोगों के नाक में दम आ गया तो अब ये एक मर्द मुजाहिद मुल्ला उमर खड़ा हुआ, वो कोई बड़ा आलिम दीन नहीं बल्कि पूरी तरह जो है वो तालीम याफ्ता भी नहीं है अरबी मदारिस वगैरह से, और उनके साथ अरबी मदारिस के तलबा तालिबान वो कुछ खड़े हो गए कमर कस ली कि अब यहां किसी तरह अमन कायम किया जाए। ये पुकार ऐसी थी कि जो गोया कि अफगानों के दिल की पुकार थी, तंग आए हुए थे इन वार लॉर्ड्स से और उनके मजालिम से और उनके इस्तेहसाल से,
लिहाजा वो जहां गए उनका इस्तकबाल हुआ, बहुत से लोगों ने अपने हथियार इनके हवाले कर दिए। यहां तक कि गुलबदीन हिकमतियार जो बिल्कुल काबुल के पास पड़ा हुआ था अपनी फौजें लेकर, और गोया कि वो किसी फाइनल असॉल्ट की तैयारी में था, जब ये आए हैं तो उसने रास्ता दे दिया और खुद पीछे हट गया। इस तरीके से यूं समझिए कि दर हकीकत अफगानिस्तान में इन तालिबान की हुकूमत जो है ये गॉड गिवन है। वो जो एक शेर है कि खुद ब खुद तैयार है पके हुए फल की तरह, देखिए गिरता है आखिर किसकी झोली में फरंग। तो ये हालात ने इस दर्जे सूरत इख्तियार कर ली थी कि ये तालिबान को कोई रेजिस्टेंस नहीं मिली और उनकी जो है एक हुकूमत कायम हो गई, बल्कि ये गोया कि अल्लाह ताला की जो है हिकमत का एक जहूर हुआ है। इसमें अमरीका ने और अमरीका के कहने पर पाकिस्तान ने, सऊदी अरब ने, इमारात ने तालिबान को सपोर्ट किया। बेनजीर की हुकूमत थी, कहां बेनजीर जैसे सेक्युलर जहन की और आजाद ख्याल किस्म की औरत, कहां तालिबान मौलवी मुलाटे उनके ख्याल के मुताबिक। सऊदी अरब ने अमेरिका के हुक्म से मदद दी, इमारात ने मदद दी, पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया, सऊदी अरब ने तस्लीम कर लिया और इमारात ने तस्लीम कर लिया, उनकी जो है एम्बेसडर्स वो आकर यहां बैठ गए। उसकी वजह क्या है? अमेरिका समझता था ये ठीक है, ये मुल्ला मुलाटे हैं, इन्हें को दुनिया का कोई इल्म है नहीं, ये जानते ही नहीं, लिहाजा इनको इनसे खेलना आसान है, इन्हें हम अपनी उंगलियों पर नचाएंगे, इनको कठपुतली बना लेंगे। इस पहलू से उन्होंने कहा कि ये अच्छा है, ये लोग अगर आ जाएं तो ठीक है, वो खतरा नहीं है कि यहां कोई एक ऐसा इस्लामी निजाम सामने आ जाए जो जदीद दुनिया के तमाम तसव्वुरात और तकाज़ों को भी पूरा करता हो और किताब और सुन्नत के तकाज़ों को भी पूरा करता हो, इसका कोई अंदेशा नहीं है, लिहाजा उन्हें मदद दी। लेकिन हुआ क्या? दो काम ऐसे हुए हैं कि एक तो अफगानिस्तान के 90% इलाके पर कब्जा जो हुआ तो अमन, कुल्ली अमन, चोरी खत्म, डकैती खत्म, जिना बिलजमर खत्म, जिना खत्म, तो अब आंखें खुल गई अमेरिका की, ये क्या हो रहा है? और मुल्ला उमर के एक हुक्म पर पॉपी की काश्त जीरो। अब ये है कि कुफर के ऐवानों में पूरी दुनिया में खतरे की घंटियां बजी, ये मामला क्या है? नारदद इश्क के खूनी जिगरे पैदा शुद, हुस्न लर्जीद के साहिब नजरे पैदा शुद। ये तो हम जिससे डर रहे थे, जिसका हमें खौफ था, जिसका हमें अंदेशा था, वो तो हकीकत सामने आ रही है। अभी तो पूरा निजाम की कोई बात नहीं है, अभी तो इन्होंने चंद सजाएं नाफिज की हैं, इससे ज्यादा तो अभी उनका कॉन्सर्न भी कोई नजर नहीं आया। हम खुद जब गए हैं वहां पर, मैं एक वक्त लेकर गया हूं, तो ना उनके जहन में कोई सियासी निजाम का कोई वादे तस्वुर था, ना मैंने उनसे पूछा आपके कोई पार्लियामेंट मजलिस शुरा मजलिस मिली कि नहीं, कोई नहीं है, ना कोई माशी निजाम का उनके सामने नक्शा था। मैंने पूछा कि आपके यहाँ बैंक हैं कि नहीं है, मैंने कहा आप अपना पैसा कहाँ रखते हैं, हमारे पास पैसा है ही नहीं। तो मतलब ये कि ये कोई निजाम निजाम की बात थी नहीं, लेकिन ये कि चोरी का हाथ काटना, जिना की सजा देना, रजम करना, कत्ल के बदले कत्ल, अलल हैरान मैदान के अंदर और सर जो है कलम करना, या सीने के अंदर एक साहब ने जो कि आई विटनेस थे उन्होंने देखा था कि एक शख्स ने एक दूसरे शख्स को कत्ल किया सीने में खंजर भोंक कर, अब उसको पकड़कर रस्सियों से बांधकर ला के डाल दिया गया उस स्टेडियम के अंदर, खुला और ठठ लगे हुए लोगों के देख रहे हैं, और उसकी बीवी से, मकतूल की बीवी के हाथ में खंजर देकर कहा गया भोंको इसके सर पे, इसके सीने के अंदर, उसने किया। अब ये जो मनाजिर है इनको देखने के बाद क्या कहीं कोई जुर्म रह जाएगा? जैसे कि इससे पहले भी था मामला दुनिया के सामने कि सऊदी अरब जो है वो क्राइम फ्री एक माशरा बन गया था जब से वहां पर इस्लामी जो हदूद और ताजीदात नाफिज हुई, ये मामला इन्होंने देख लिया कि ये तो हो गया। तो इस एतबार से उनको जो है अब बड़ी शदीद खतरे की बात हुई। अलबत्ता ये जरूर नोट कर लीजिए कि इस इब्तदाई अरसे में तालिबान से कुछ गलतियां भी हुई। पहली बात तो यह कि ना इनकी कोई तालीम हुई थी, ना तरबियत हुई थी, ना तंजीम हुई थी, ना कोई डिसिप्लिन कायम था, ये तो मॉब था, लिहाजा इनसे बड़ी बड़ी गलतियां हुई। मसलन मदार शरीफ में ईरान के सफारतखाने पर हमला किया, सफारतकारों को कत्ल कर दिया। फिर यह कि इनके अंदर मजहबी शिद्दत पसंदी बहुत थी, कट्टर हनफियत, और इसके अंदर कुछ ना कुछ तशद्दुद का एलिमेंट भी। जाहिर बात है उन आम लोगों के अनपढ़ लोग
اب ان کے ذہن میں جو چیزیں تھیں, داڑھی جو ہے سنت ہے, سنت موقعہ ہے, نہیں رکھتا اس کو سزا دو, اور حجام جو ہے اس کا سر قلم کر دو. اگر وہ اسی طریقے سے پردے کا شدت کے ساتھ نفاذ کیا گیا, عورتیں باہر کیوں نکلیں, اپنے گھروں میں رہو, یا یہ کہ پورا برقع لے کر نکلو. جو بھی آپ کے ہاں دنیا بھر میں شٹل کاک جس کو کہتے ہیں, وہ جو ایک خیمے کی شکل میں ہوتا ہے, تو وہ لے لو. تو اس حوالے سے سخت تشدد پسندی بھی ہوئی ہے, اور کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں, کچھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں, اور کچھ انتہائی تنگ نظر مذہبیت بھی ہوا. یہ حقائق ہیں جو ہمیں ماننے پڑیں گے. اب جب پوری دنیا کے اندر یہ ایک خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں عالم کفر کے اندر, کہ نارضہ عشق کہ خونی جگر پیدا شد, وہ تو آ گیا, خونی جگر رکھنے والا وہ تو سامنے آ گیا, وہ خطرہ جسے ہم ڈر رہے تھے, کانپ رہے تھے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نیٹو کو اثر نو آرگنائز کرنے کی باتیں شروع ہوئیں, توسیع کی شروع ہوئی, تو کسی نے پوچھا نیٹو چیف سے, گورنر ان چیف سے, کہ اب آپ کس کے لیے, آپ کا جو دشمن تھا جس کے لیے آپ نے سارے دھندے بنائے تھے, سیٹو بھی تھا, سینٹو بھی تھا, اور نیٹو بھی تھا, اور سب سے بڑا معاملہ نیٹو کا تھا, تو اب یہ اب تو تمہارا وہ دشمن ختم ہو گیا, تمہارے سامنے تمہارے گھٹنوں میں تمہارے قدموں میں پڑا ہوا ہے, تم سے مدد کی بھیک مانگ رہا ہے, تو تمہیں کیا کیا خوف ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں اب اسلامک فنڈامنٹلزم کا خطرہ ہے. اس کے لیے گویا کہ دے اسٹارٹڈ ٹو گرڈ اپ دیئر لوئنز, اپنی جو ہے کمر کسنے کے لیے انہوں نے پروگرام بنا لیا. اور اس کے لیے نوٹ کیجئے 9/11 کا حادثہ فاجعہ خود کروایا. یہ ثابت شدہ حقیقت ہے اس وقت. اس میں طالبان کا تو خیر 0% بھی کوئی امکان نہیں, اس میں القاعدہ کا بھی کوئی حصہ نہیں. یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ان میں جن لوگوں کو انہوں نے اپنے آگے رکھ لیا تھا دنیا کو دکھانے کے لیے, کچھ نوجوان قسم کے جو پائلٹس تھے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے جہازوں پر, چڑیوں جیسے جہازوں پر تربیت حاصل کی تھی دکھانے کے لیے, یہ انہوں نے کیا ہے, یہ ان میں سے کسی کا تعلق غالباً کوئی تعلق تھا جو کہ اسامہ ابن لادن کے ساتھ, جس پر کہ ان کو اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ انقریب ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا. بس اس حد تک بات صحیح ہے, باقی قطعاً کوئی نہ اسامہ ابن لادن کا حصہ. یہ کروایا موساد نے, نیو کونز نے, سی آئی اے نے. کیوں کروایا؟ اس لیے کہ ان کے سامنے اب افغانستان کے اندر ایک بہت بڑی فوج کشی کرنے کے لیے ایک بہت بڑی طاقت کی ضرورت ہے, اور یہ بہت بڑی طاقت جو ہے اس کے لیے امریکہ کا جو پبلک اوپینین ہے تیار نہیں ہوگا جب تک کہ اتنا بڑا کوئی حادثہ نہ ہو جائے, اور دنیا کی بھی بڑی کولیشن نہیں بنے گی جب تک کہ اتنا بڑا کوئی حادثہ نہ ہو جائے. یہ انہوں نے خود کرایا, اس لیے کہ اس سے پہلے یہ ایک اور بات جو ہے وہ بیچ میں آ گئی ہے لیکن میں بیان کر دوں کہ یہ تو 90s کے اندر, لیٹ 90s میں بات ہو گئی تھی کہ امریکہ میں جو ٹاپ کے تھنک ٹینکس تھے وہ سوچ رہے تھے کہ 21ویں صدی میں امریکہ اس گلوب کی سپریم سپر پاور کیسے رہے, اپنی اس پوزیشن کو جو حاصل ہو گئی اس وقت اور بھی مضبوط کرے. ابھی رشیا اور چائنا تو اس کے دائرہ اقتدار سے باہر ہے, ابھی بھارت بھی تقریباً باہر ہے, لیکن آگے بڑھا کر گلوبل پوری طرح اور کیسے ہو یہ کہ اسے برقرار کیسے رکھے. تو اس پر ان کے تھنک ٹینکس تھے, اور اسی پر ان کا ایک مقالہ شائع ہوا تھا, امریکہ نیڈز اے پرل ہاربر, امریکہ کو ایک پرل ہاربر جیسے واقعے کی ضرورت ہے. اب یہ تاریخی بات سمجھ لیجئے, امریکہ دوسری عالمگیر جنگ تک, سیکنڈ ورلڈ وار تک, انٹرنیشنل معاملات میں کبھی آیا ہی نہیں تھا, وہ تو بڑے آرام سے تھا دو اوشنز کے درمیان, ادھر اٹلانٹک ہے ادھر پیسیفک ہے, ظاہر بات ہے کہ ان قریب 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 کوئی دشمن ہے ہی نہیں, لہذا اسے تو اپنا معیار زندگی بہتر بناؤ, اپنے حالات بہتر بناؤ, اپنے انوائرمنٹس بہتر بناؤ, اپنا یہ کرو اپنا وہ کرو بس. سیکنڈ ورلڈ وار میں بڑی شدید ضرورت پیدا ہوئی الائز کو, جب جرمنی اور جاپان جو ہے بھرکس نکال رہے تھے, کہ کسی طرح امریکہ کو آمادہ کیا گیا. چرچل بھی گیا, اس نے بھی خوشامدید کی, یہ بھی کہا جان لو اگر ہم ختم ہو گئے تو نیکسٹ باری تمہاری ہوگی, پھر یہ نازی جو ہے تمہیں چھوڑیں گے نہیں. پھر بھی وہاں کی پبلک اوپینین جو ہے موبلائز ہونے کو تیار نہیں تھی. اب اس کے اوپر ایک کام یہ ہو گیا, جاپانیوں نے بہت بڑا بلنڈر کیا, پرل ہاربر پر ایک بہت دور دراز کی وہ بندرگاہ تھی جہاں امریکہ کا ایک بہت بڑا جو نیوی کا بیس تھا, اچانک اس پر حملہ کیا, بے شمار ان کے جہاز جو ہیں غرق کر دیے, بے شمار لوگ مارے گئے,
और जो बेशुमार लोग जो हैं वो जख्मी हुए या ये कि मासूर हुए, इस पर गुस्सा चढ़ा है अमेरिका को और वो सोया हुआ शेर जागा है। और उस पर फिर वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आया मैदान में, और जाहिर बात है कि जर्मनी को शिकस्त उसी ने दी है, और ये है कि उसी की फौजें थी कि जो उतरी हैं नॉर्मंडी के साहिल के ऊपर, और उसके बाद जो है पासा पलटा जंग का। तो इस एतबार से ये ख्याल किया गया कि कोई ना कोई पर्ल हार्बर जैसा हादसा अगर नहीं होगा तो अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन नहीं खड़ी होगी, ना वो खर्च जो है वो उसके लिए मंजूरी देने को तैयार होंगे। आखिर बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस का मामला होता है, ये कोई मिलियंस का तो नहीं होता। लिहाजा उसके लिए जाहिर बात है कि वो कांग्रेस और सेनेट और ये और वो ये सब जो है ये अगर उसके लिए मंजूरी दे तभी तो होगा ना। तो अमेरिका नीड से पर्ल हार्बर, ये बात ध्यान में रखिए, इसलिए उन्होंने खुद वो पर्ल हार्बर अमेरिका में कराया। और इसमें फिर पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का खतरा और दहशत का खौफ, और सबसे बढ़कर अमेरिका में जो जो सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं अमेरिका में, उनका आप तस्वीर नहीं करते, बिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो एक एक शख्स की तलाश ली जा रही है, फोन टैप करने की भी इजाजत दे दी गई जो अमेरिका में नहीं था। वहां जो पर्सनल आजादियां थी, इंफरादी आजादियां, उनका बड़ा चर्चा था, वो तो उनका बड़ा चैंपियन था, लेकिन ये कि सारा जो है उनकी प्राइवेसी का भी बेड़ा गर्क, उनका ये सब कुछ, उनके ऊपर पाबंदियां, और जो कुछ भी बाहर से आने वाले हैं उनका जिस तरीके से वो अपने एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है तकरीबन नीम बराहना करके उनकी जो है तलाशी लेना, ये वो ये सारा कुछ, और उस पर जो उन्होंने अपने पूरा निज़ाम बनाया इंटेलिजेंस का और मालूमात पहुंचाने का, उसके ऊपर उनका बेशुमार खर्च हुआ। बहरहाल इसमें ईसाइयों की सलीबी जंग का जज्बा भी शामिल कर दिया गया। एक अमेरिका की सुप्रीम सोल, सुप्रीम पावर ऑन अर्थ होने का मकसद, नंबर दो सलीबी जंग का जज्बा सोया हुआ उसे भी जगाया। ये बुश ने भी कहा था, लेकिन बाद में उसने कहा गलती हो गई, उसने मतलब वापस लिया था क्रूसेड। लेकिन ये है कि फिलाडेल्फिया, ये जो अमेरिका का एक अहम शहर है, वहां से एक शाय होता है माहनामा, फिलाडेल्फिया ट्रम्पेट, उसके मुदीर ने, ये प्रोटेस्टेंट्स का है और जो इवेंजलिस्ट कहलाते हैं वहां पर, जो खास तौर पर प्रचारक हैं इंजील के, ये उनका रिसाला है, और उन्होंने ये लिख दिया था, ये मैंने अपने दो किताबों में कवर पर शाय किया हुआ है, वो बहुत खूबसूरत, कि डोम ऑफ द रॉक जो है, जो गुंबद सकरा है, तो उसके ऊपर जो है बड़ा खूबसूरत तस्वीर देकर कि मैनी पीपल थिंक दैट क्रूसेड्स आर ए थिंग ऑफ द पास्ट ओवर फॉर एवर, बट दे आर मिस्टेकन। तो दुनिया में तैयारी हो रही है लास्ट क्रूसेड की, ये उसके अपने अल्फाज हैं, और ये पूरा एक मकतबा फिक्र है, एक पूरा उनका जो है बहुत आबादी के अंदर बहुत इन्फ्लुएंशियल हिस्सा है, प्रोटेस्टेंट के अंदर, खासतौर बैप्टिस्ट के अंदर, इवेंजलिस्ट, ये नियोकॉन्स या बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस, ये इस्तलाहात जो है अगर आप पढ़ते हो, ये सब एक तबका है जो असल आलयकार है यहूदियों का। बहरहाल तो उसने सलीबी जंग का भी जज्बा शामिल कर दिया, जिसका नतीजा क्या निकला, तारीख इंसानी की अजीम तरीन कोलिशन बनी है, कभी दुनिया में इतनी बड़ी कोलिशन नहीं बनी जितनी अफगानिस्तान के खिलाफ बनी। अमेरिका है, यूरोप है, बाकी सारी जो मगरबी कुवतें हैं, और उधर यह है कि रशिया की भी आशीर्वाद हासिल है, चाइना की भी आशीर्वाद हासिल है, तो इसको खत्म करने के लिए इतनी बड़ी कोलिशन बनी है, और नतीजतन यह कि पाकिस्तान को भी एक टेलीफोन के जरिए से घुटने टेकने पर मजबूर करके जो कुछ किया हमारे सदर मुशर्रफ साहब ने, अल्लाह ताला करे कि जल्द उनको उनकी रुख्सती हो जाए, लेकिन बहरहाल यह कि उन्होंने जैसे एक फोन के ऊपर घुटने टेक दिए, पताशे की तरह बैठ गए, तो उसके बाद यह है कि उन्होंने अफगानिस्तान पर जदीद तरीन हथियारों से शदीद तरीन हमला किया, जैसी कटर्स, जिन बॉम्ब्स का पहले नाम सुना नहीं था, और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स जिनके निशाना चूकने का सवाल ही नहीं, 30,000-40,000 फुट की बुलंदी से भेजना, कोई जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है उसकी वहां रसाई नहीं, वो तो ठीक ना, तालिबान के पास कुछ था ही नहीं, लेकिन यह कि उन्होंने ये भी खतरा बोल नहीं लिया कि यहां पर तो नीची परवाजें कर लें, लेकिन यह कि वहां से आ रहे हैं और लेजर गाइडेड बम, जो तबाही आई है, और उस वक्त जाहिर बात है कि तालिबान की हुकूमत का खात्मा हुआ। इनमें से बहुत से लोग जो हैं वो तो जाहिर बात है कि वहीं अपने मुख्तलिफ इलाकों में, अपने कबाइल में जाकर
उन्होंने पनाह ले ली। उनमें से कुछ और ज्यादातर जो गैर मुल्की वहां से आए थे उन्होंने पाकिस्तान में आकर कबायली इलाकों में पनाह ले ली। ये वजीरिस्तान शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान खासतौर पर यह करीब तरीन यहां आकर पनाह ले ली। इस तरीके से यहां जो है ज्यादा अरब और कुछ पाकिस्तान जो थे जो तालिबान थे अफगानिस्तान के, और अफगानिस्तान में अमेरिका के कब्जे के खिलाफ एक रेजिस्टेंस मूवमेंट या इंसर्जेंसी शुरू हो गई। उसका तजिया मैं अभी आपके सामने बाद में करूंगा। चुनाचे उसी के एक नतीजे में जब पाकिस्तान में ये अनासिर आए हैं तो इनको देखकर पाकिस्तान में लोकल तालिबान भी पैदा हो गए। ये जिस काम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि शरीयत नाफिज की जाए, हमें भी तो करनी चाहिए ना। अब वहां सूफी मोहम्मद साहब की एक तहरीक चल रही थी कुछ 10-15 साल से, वो पुरअमन थी, अगरचे बाद में वो उनके कंट्रोल से निकल गई क्योंकि वो मुनज़्ज़म जमात नहीं थी। 80,000 का एक वो काफिला लेकर आ गए थे दरियाए अटक तक, अटक के पुल तक आ गए थे, वहां रोका फौज ने, वरना उनका प्रोग्राम था कि आकर वो पाकिस्तान सेक्रेटरीट का घेराव करें जैसे कभी 50,000 शियों ने किया था और जियाउल हक साहब की नागरगढ़ वादी थी। इसी तरीके से यह है कि मजबूर कर दिया जाए पार्लियामेंट को और हुकूमत को कि वो यहां शरीयत नाफिज करे। वो तो वहां पर फौज ने उन्हें रोका और फिर जाहिर बात है कि वो सूफी मोहम्मद साहब की भी समझ में बात आ गई कि इस तरह नहीं चल सकेगा। तो उन्होंने कहा अपने लोगों से कि आप उतर आए, वो पहाड़ों पर मोर्चा बंद होकर बैठ गए थे, आ नहीं रहे थे नीचे, उतर नहीं रहे थे। और चूंकि जैसा कि मैंने कहा ना कोई तरबियत थी ना तस्किया था ना तंजीम थी, लिहाजा उनमें से बाद लोगों ने यह कहा कि ये तो मौलवी बिक गया है, इसे हुकूमत ने खरीद लिया। बहरहाल ये तहरीक थी जिसको बाद में वो बैठ गई और सूफी मोहम्मद साहब गिरफ्तार कर लिए गए, वो जेल में पड़े रहे। लेकिन इसी तहरीक के कोख से पाकिस्तान के तालिबान वजूद में आ गए और सवात में वजूद में आ गए, जो सबसे पुरअमन इलाका था इसमें, सबसे ज्यादा पुरअमन और सयाहों का कि गोया की जन्नत वहां पैदा हो गए। और आपको मालूम है कि उनमें उनके कायद जो थे वो जो हैं मौलवी फजलुल्लाह, वो मौलवी सूफी मोहम्मद के दामाद। ये मैंने आपके सामने पस मंजर रख दिया कि सूरत हाल तालिबान की क्या है, कहां से आए हैं, किन दर्जों में तकसीम हुए हैं। अब आइए इस वक्त मैं तजिया करके बता देता हूं आपको इस वक्त सूरत हाल क्या है। अफगानिस्तान में इंसर्जेंसी में तीन अनासिर जमा हैं। नंबर एक, जिन्हें मैं कह रहा हूं सुच्चे, ये पंजाबी का लफ्ज इस्तेमाल कर लीजिए, जेन्युइन तालिबान सुच्चे। वो कौन है? जो इस्लाम का गलबा चाहते हैं, इस्लामी हुकूमत कायम करना चाहते हैं, ये उसके लिए वो तन मन धन लगा रहे हैं, जान माल खर्च कर रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं। एक तो ये, जो अपनी आजादी के लिए भी लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान क्यों अमेरिका यहां पर आकर बैठ गया? अगर वो खड़े हो गए थे रूस के खिलाफ तो अमरीका के खिलाफ क्यों नहीं? और नंबर दो ये कि उनके पेश नजर जैसा कि मुल्ला उमर की हुकूमत जो बनी थी और उसमें नक्शा नजर आ गया था, कुछ नक्शे तो बिल्कुल खिलाफत राष्ट्र वाले थे कि जैसे उमर फारूक किसी चटाई पर बैठकर हुकूमत कर रहे थे, मुल्ला उमर की चटाई पर, टूटी हुई चटाई पर बैठकर हम खुद देखकर आए हैं, कोई महल नहीं था उसका, जैसे हजरत उमर का कोई महल नहीं था, ये सारे नक्शे वहां थे। और वहां का गवर्नर मुल्ला रहमानी उनका नाम था, मुल्ला मैं पूरा नाम भूल रहा हूं, वो जो है जब हम गए थे तो वो ऐसे खिदमत कर रहा था जैसे कोई मुलाजिम हो, खिदमतगार, टूटे टूटे हुए चप्पल से मैंने देखा। तो ये हालत थी लोग, ये गवर्नर थे कंधा की। तो इस एतबार से वो नक्शा भी लोगों ने देखा। तो अब तालिबान जो है वो दर हकीकत जो जेन्युइन तालिबान है, जो वाकईतन हकीकी तालिबान है, वो तो वो है कि जो अफगानिस्तान में इस्लाम के गलबे की जद्दोजहद कर रहे हैं और जाने दे रहे हैं। नंबर दो, अफगान हुर्रियत पसंद जो पहले खड़े हो गए थे वो अब भी खड़े हो गए। उनमें मजहबियत उतनी नहीं है, वो कोई गहरी मजहबियत नहीं है, अगरचे जैसे मैं पहले कह चुका हूं अफगान कौम की घुट्टी के अंदर उनके कल्चर में मजहब मौजूद है। वो बहरहाल चाहे आप उसे रसूमात वाला मजहब कह दें, सिर्फ जो है रिचुअल्स वाला मजहब कह दें, जो भी कहें, लेकिन है उनकी घुट्टी में है और उनके कल्चर में है। तो ये लोग दोबारा खड़े हो गए कि अब हम, जाहिर बात है कि रूस के गुलाम बनने की बजाय अमरीका के गुलाम बन जाए, इसके लिए हम तैयार नहीं। ये उनका जज्बा है, वो रियत है। नंबर तीन जो है वहां पर वारलॉर्ड्स हैं जो हुकूमत के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। उनमें गवर्नर्स भी हैं
वो असल में क्या चाहते हैं ये जान लीजिए। वो नहीं चाहते कि कोई मजबूत हुकूमत जो है अफगानिस्तान में कायम हो जाए। अगर मजबूत हुकूमत कायम हो जाएगी तो उनके जो है इख्तियारात खत्म हो जाएंगे, वो तो कंट्रोल में आ जाएंगे मरकजी हुकूमत के, उनके अलल्ले तलल्ले, उनके गुलछर्रे, उनका हीरोइन का कारोबार, उनके उनके जो है असलाह की तजारत, ये कहाँ रह जाएगी। और उनके पर्दे में गुंडे भी हैं, उनके पर्दे में जराइम पेशा लोग भी हैं, कभी वो तालिबान का जो है वो लिबादा ओढ़ लेते हैं लोगों को धोखा देने के लिए। तो ये तीसरा एलिमेंट है, ये चाहते हैं कि अमरीका यहां रहे लेकिन पूरी तरीके से मुस्तकम ना हो, ताकि ये सिलसिला चलता रहे। उससे क्या होगा कि एक तो ये है कि हमारी मनमानियां जारी रहेंगी, कोई हमें चेक करने वाला होगा ही नहीं, और नंबर दो ये जो बाहर से तामीर नौ के लिए पैसा आ रहा है वो कुछ काबुल वाले अपनी जेबों में डालेंगे, कुछ हमारे हिस्से में आएगा, कुछ थोड़ा बहुत लगेगा तो चलिए ठीक है, अफगानिस्तान का भला हो जाए, वो मदरसे बन जाएं, कुछ और हो जाए, कोई स्कूल हो जाए, कोई अस्पताल खुल जाए, कोई सड़कें बन जाए, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा जो है वो काबुल में जो बैठे हुए हैं हुकूमत के लोग वो ले जाते हैं अपनी जेबों के अंदर, और फिर ये वार लॉर्ड्स, इसलिए कि जाहिर बात है इलाकों में उनका खर्च करना जो है वो इन वार लॉर्ड्स के बगैर, इन गवर्नर्स के बगैर, उनके बगैर तो मुमकिन नहीं। तो इस वजह से वो ये चाहते हैं कि जो स्टेलमेट है अफगानिस्तान में ये बरकरार रहे, कायम रहे, इसी में उनको मनमानी करने की जो है पूरी आजादी है। अब नोट कीजिए कि इसमें से कौन क्या है, हु इज हु, तय करना बहुत मुश्किल है। मैंने नजरी तौर पर जो तीन में तकसीम बता दी आपको, जेन्युइन तालिबान, हुर्रियत पसंद अफगान, और ये तीसरे शैतान जो वहां के वार्ड लॉर्ड्स हैं, और हेरोइन का कारोबार और असला का कारोबार, ये उनका धंधा है, ये तीन है। लेकिन कौन क्या है, हु इज हु, उसके बारे में वही कहूंगा बुल्ले शाह वाली बात, कौन दिला दिए जाने हु, किसको पता कौन क्या है। अब वो तो ये कि एक पर्दा पड़ा हुआ है कि अफगानिस्तान उसमें तालिबान के नाम से वो काम कर रहे हैं, हो सकता है उन्हीं के बाद लोग जो है वो हमारे यहाँ आकर तालिबान के नाम पर चंदे भी करके ले जाते, अल्लाह वालों क्या पता, अंधा खाता है। अच्छा, इसी तरह सरहद में जो इस वक्त है इंसर्जेंसी, उसमें भी तीन अनासिर हैं वाज़े तौर पर। नंबर एक वो सुच्चे और जेन्युइन तालिबान, जो अफगानिस्तान की तरह के मुजाहिदीन के अंदाज में इस मुल्क में भी इस्लाम नाफिज करना चाहते हैं। अगरचे इसमें बाज़ जज्बाती लोग हैं, जज्बाती अनासिर हैं, और आमतौर पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं हैं, और दूसरी तरफ पाक फौज का जो अमरीकी एजेंडे के ऊपर अमल करना है उसका शदीद रद्द अमल है, और ये के ये जो खास तौर पर लाल मस्जिद का सानहा हुआ है उसका शदीद रद्द अमल है, इसकी वजह से इनमें से कुछ लोग तशद्दुद पसंद हो गए हैं। लेकिन ये है जेन्युइन जो इस्लाम चाहते हैं, और जाहिर बात है कि इन उस वजूहात से एक्शन इज टू एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इन तमाम चीजों का, अमरीका की बमबारी अब हो रही है, शरीयत शदीद नफ्स जो है उसके खिलाफ नफरत होगी कि नहीं होगी, पाकिस्तानी फौज काय के लिए आई है, वो उन्हीं मुजाहिदीन को खत्म करने के लिए एक पकड़कर एक एक को दे रहे हैं जिनको खुद अमरीका लेकर आया था, और जिनको उस वक्त जो है पाकिस्तान की हुकूमत ने सपोर्ट किया था, अब उन्हीं को जो है वो दहशतगर्द करार देकर जो है उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाकर पकड़ पकड़ कर अमरीका के हवाले किया जा रहा है। इस पर गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, जेन्युइन गुस्सा आएगा, जेन्युइन रद्द अमल पैदा होगा, ये फितरी रद्द अमल होगा। तो इस हवाले से किसी मदरसे में हमला हो गया, 80 बच्चे जो है खत्म हो गए, कहीं किसी और जगह पर हुआ, किसी बारात के ऊपर हमला कर दिया, बारात खत्म हो गई, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो उसका एक रद्द अमल है उन तालिबान के अंदर। लेकिन यह कि बहस के मजमू वो तालिबान जो है उनका कोई और मोटिव नहीं है सिवाय इसके कि यहां इस्लाम आए। नंबर दो, जराइम पेशा लोग वो भी वहां शामिल हो गए, उन्हें मौका मिल गया, लूट मार करें, लोगों का इल्जाम जो है तालिबान पे पड़ जाएगा, इख्वा करें, तावान ले, इल्जाम तालिबान पर आ जाएगा, उन्हें तो कवर मिल गया, उनके लिए ये गोया के एक तरह की ढाल बन गई है, लिहाजा वो, और यही वो लोग हैं कि जो इंतहाई बदमनी करने वाले, इंतहाई शकीर कल्ब, वो पाकिस्तान की फौजियों को ज़िबह करने का मामला ये लोग करते हैं, तालिबान नहीं करते। ये मामला जो है जिस कदर उनकी तरफ से दरिंदगी का मुजाहरा हुआ है, सवात में जिस तरीके से हुआ है, वो तो हमारे पास दोस्त हैं वहाँ पर जो रहते हैं मिंगोरा में, उन्होंने बताया कि ये जो कुछ करते हैं तो दुनिया के अंदर नहीं देखा कभी इस तरह का जुल्म,
اس طرح کی جو ہے زیادتی اور تشدد اور اس طرح کی درندگی جو ہے وہ ان کے اندر موجود ہے. نمبر تین, ان میں را اور موساد اور سی آئی اے کے ایجنٹ ہیں. یہ کیا کام کرنا چاہتے ہیں یہ بھی نوٹ کر دیجئے. یہ گرینڈ جو ہے سکیم ہے, گرینڈ پلان ہے امریکہ کا پاکستان کو ختم کرنے کا, اور خاص طور پر پاکستان اگر رہ بھی جائے تو کوئی بات نہیں, ایٹمی اثاثے ختم کرنے کا. اس کے لیے وہ چاہتا ہے پاکستان میں بدامنی, ایک سول وار کی کیفیت ہو جائے تاکہ جواز مل جائے ادھر سے نیٹو فورسز کے داخل ہونے کو اور ادھر سے بھارتی فوج کو داخل ہونے کا. آپ کو معلوم ہے الرٹ کر دی گئی تھی دونوں فورسز, نیٹو فورسز ور الرٹڈ, بھارت نے اپنی فوج کو الرٹ کر دیا تھا, تیار رہو, ہو سکتا ہے کہ ان قریب ہمیں ایک پڑوسی ملک کے اندر داخل ہونا پڑے وہاں امن قائم کرنے کے لیے. یہ چاہتے ہیں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا, یہ ہتھیار دے رہے ہیں, یہ پیسے دے رہے ہیں ان عناصر کو جو ان کے جو ہے اعلی کار اور ان کے ایجنٹ بن کر کام کر رہے ہیں. اور اسی کے ضمن میں بہت خطرناک صورتحال جو انہوں نے اختیار کروائی ہے اس وقت, وہ مذہبی بنیاد پر فسادات. پارا چنار کے علاقے میں تو اس سے پہلے بھی ہوتے تھے شیعہ سنی فسادات, لیکن اتنے نہیں جتنے اب ہو رہے ہیں, جس بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں, جتنی بڑی خونریزی ہو رہی ہے, کچھ تو خون ہو رہا ہے, ایک دوسرے کے لوگ مارے جا رہے ہیں, کبھی نہیں ہوئی تھی. اسی طرح یہ باڑا اور باڑے سے آگے کا جو علاقہ ہے اس میں سنیوں کے دو گروہ دیوبندی اور بریلوی ان کے درمیان جنگ, یہ دونوں انتہائی خطرناک جنگیں ہیں جو امریکہ اور بھارت کے ایجنڈوں کے ذریعے سے پاکستان میں پھیلائی آگے بڑھ سکتی ہیں. یہ پولرائزیشن پاکستان کے اندر آ سکتی ہے, شیعہ سنی فساد تو بڑھ سکتا ہے پاکستان کے اندر, دیوبندی اور بریلوی فساد تو بڑھ سکتا ہے پاکستان کے اندر. تو یہ ہے تیسرا ایلیمنٹ, تاکہ دونوں طرف سے کچھ ایسی صورت بن جائے کہ ہمیں داخل ہونے کا جواز مل جائے. وہ بھی ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ کنڈولیزا رائس کی زبان میں میں بتا رہا ہوں, اس کے الفاظ کیا تھے, وہ آئی تھی اور اس نے دورہ کیا تھا بھارت کا بھی اور پاکستان کا بھی, اور واپس جا کر امریکہ میں سٹیٹمنٹ دیا تھا, پاکستان کا مستقبل بھارت اور امریکہ مل کر طے کریں گے. یہ ہے کھلا. اب یہ ہے کہ اب مجھے ڈر کاہے کا, دنیا پہلے بائی پولر تھی تو امریکہ بھی گھبراتا تھا کہ ہم کسی پر زیادتی کریں گے وہ روس کی پناہ لے لے گا, اس کا ساتھی بن جائے گا, اس کی طاقت بڑھ جائے گی. وہ بائی پولر جو ہے دنیا اس اعتبار سے چھوٹی قوموں کے لیے, چھوٹے ملکوں کے لیے ایک طریقے سے بہت ہی سازگار معاملہ تھا. اب تو یونی پولر ہے, سیاح بھائی کوتوال, اب مجھے ڈر کس کا, ڈس کس کا, کس کا ڈر؟ کوئی ڈر نہیں, کھل کر باتیں کرتے ہیں, کوئی چھپا کر باتیں نہیں کرتے. ان کا جو نقشے بنتے ہیں, جو امریکہ کی طرف سے مڈل ایسٹ کا نیا نقشہ شائع ہو گیا, اس کے اندر یہ ہے کہ کردستان ہو جائے گا بڑا کردستان, اس میں یہ کچھ علاقہ ترکی کا جائے گا, کچھ عراق کا شمالی جائے گا, کچھ ایران کا شمال مغربی حصہ جائے گا, یہ گریٹر کردستان, گریٹر بلوچستان, یہ تو ہمیشہ سے ان کا ایک پروگرام ہے. اور اس میں صرف بلوچستان نہیں, ہمارا بلوچستان نہیں صرف, اس میں کچھ ایرانی بلوچستان بھی آئے گا, کچھ افغان بلوچستان بھی آئے گا, اور کچھ پنجاب کے اضلاع بھی آئیں گے. یہ ڈیرہ جات جو ہیں یہ کہلاتے ہیں کہ یہ تو در حقیقت خاص طور پر ڈیرہ غازی خان, یہ تو بلوچ علاقہ ہے, اور سندھ کا بھی وہ علاقہ جو ہے جیکب آباد وغیرہ کا جو شمال کا ہے اوپر کا ہے, وہ ظاہر بات ہے بلوچ ہے. تو یہ نقشہ ہے. اسی طریقے سے یہ کہ باقی جو عراق ہے اس کے تو تین ٹکڑے ہو جائیں گے, ایک ٹکڑا جائے گا کردستان کے ساتھ, ایک سنی اسٹیٹ بنے گی اور ایک شیعہ اسٹیٹ بنے گی, اور وہ شیعہ اسٹیٹ جو ہے نیچے اس کو ایکسٹینڈ کر دیں گے, جیسے شلوار یا پاجامہ یا پینٹ ہوتی ہے نا, اوپر سے یوں ایک ہے پھر دو ٹانگیں بن جاتی ہیں. تو یہ جو گلف ہے اس کے ٹاپ پر تو وہ ایک ہوگی, کویت سمیت اور عراق کا جنوبی حصہ جو شیعہ پر مشتمل ہے, لیکن نیچے ایک بیلٹ ہوگی گلف کے مشرقی ساحل کے ساتھ, یہ عرب ہیں یہاں پر آباد ہیں, شیعہ ہیں عرب ہیں. اسی طریقے سے اسی گلف کے ویسٹ کوسٹ کے ساتھ ساتھ عرب کا ایک پٹی کاٹ لیں گے, یہ بھی عرب ہیں لیکن شیعہ ہیں. تو یہ گویا کہ ایک یونائٹڈ عرب شیعائٹ سٹیٹ بنانے کا پروگرام ہے. باقی جو ہے عرب کو تقسیم کر دیں گے, نجد ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا, اور ایک یوں سمجھئے کہ جیسے عیسائیوں کا ہے ویٹیکان, ایک چھوٹی سی ریاست ہے, اتنی ذرا تھوڑی سی بڑی ریاست مکہ مدینہ یمبو وغیرہ یہ ملا کر
بس یہ ایک ان کی مذہبی ریاست بنا دیں گے, باقی جو ہے وہ علیحدہ رہے. یہ سارے نقشے ہیں جو بن رہے ہیں. ان کے خیال میں افغانستان کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا صوبہ سرحد کو, اور افغانستان کا شمال مغربی حصہ جوڑ دیا جائے گا ایران کے ساتھ. وہ تو گویا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے, ہم نے اس کو کنٹرول کر لینا, آج نہیں تو کل ہمارا ہی جو ہے حکم چلے گا, ہماری مرضی چلے گی, ہم جیسے چاہیں گے نئی لکیریں کھینچ دیں گے. جیسے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد پورے عرب دنیا کو تقسیم کر دیا گیا, یہ کہاں تھے؟ شام اور مصر اور یہ علیحدہ ممالک کہاں تھے؟ یہ سب اوٹومان امپائر کے تھے. یہ سارا شام, سارا فلسطین, سارا لبنان, سارا جارڈن, یہ کس کا تھا؟ حجاز کا بہت بڑا حصہ کس کا تھا؟ پورا شمالی افریقہ کس کا تھا؟ یہ تو جو اوٹومان امپائر تھے, خلافت عثمانیہ کے تحت تھا. ان کے جو حصے بکھرے کیے ہیں, بلکنائزیشن کیے, جیسے کہ حضور کی حدیث تھی کہ ایک وقت آئے گا مسلمانوں کے دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی اور اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گی, آئیے 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 آئیے, یہ دسترخوان بچھا کر کھانا چن لیا گیا, کھانا تناول فرمائیے, اس طرح قومیں تدا علیکم القوم اقوام امم, یہ قومیں تمہارے اوپر بلائیں گی کہ آئیے, اچھا یہ حصہ آپ لے جائیے, یہ فرانس کو دے دو بھائی, یہ جو ہے لبنان ہے یہ فرانس کا ہے, اور مصر جو ہے وہ انگریزوں کا ہے, اور اسی طریقے سے عراق انگریزوں کا ہے, پھر یہ کہ لیبیا ہے یہ طالبیوں کو دے دو, الجزائر فرانسیسیوں کو دے دو. یہ بھائی بالکل کس نے کیے؟ یہ فرسٹ ورلڈ وار اتنی پرانی بات نہیں ہے, ابھی 100 سال نہیں ہوئے اس واقعے کو جبکہ یہ ساری تقسیم ہوئی, ورنہ ان علیحدہ علیحدہ ملکوں کا کوئی نظام تھا ہی نہیں, اور ان میں پھر لوکل نیشنلزم کے بیج بوئے گئے. المصر للمصریین, مصر تو مصریوں کا ہے, یہ اور کون آ گیا؟ یہ سعودی کون ہوتے ہیں؟ یہ عرب کون ہوتے ہیں؟ یہ حجازی کون ہوتے ہیں؟ یہ شامی کون ہوتے ہیں؟ الشام للشامیین, شام تو شامیوں کے لیے, اور ظاہر بات ہے ترک جو ہے تو ٹرک نیشنلزم پر تو خود مصطفیٰ کمال پاشا نے وہ جو ہے پورے دین مذہب کی جڑیں کھود کر اس سے ترکی سے, اور وہ ٹرک نیشنلزم اور پیور 100% سیکولر, جتنا کوئی دنیا میں سیکولر ملک ہے ہی نہیں, ہر ملک کا کوئی نہ کوئی سرکاری مذہب ہے, ترکی کا نہیں ہے کوئی مذہب, سرے سرے دستور میں ہر شکل بدلی جا سکتی ہے لیکن سیکولرزم کی شکل نہیں بدلی جا سکتی. فوراً اگر کسی حکومت نے اقدام کیا تو فوراً جو ہے فوج قبضہ کر لے گی یہ اس ملک کے اندر. بہرحال یہ صورتحال ہے پاکستان کے اندر کی صورتحال. افغانستان کی میں نے بتایا 3 قوتیں, اب یہاں بھی وہی بات ہے, اب کون کیا ہے, بیت اللہ محسود کیا ہے؟ کوئی آ کے بتاتا ہے کہ وہ تو گنڈا ہے, بدماش ہے, ڈاکو ہے, چور ہے, کوئی آ کے بتاتا ہے کہ نہیں بھائی وہ تو ایک واقعی سچا طالبان میں ہے, اور ملا عمر کا تو وہ بہت ہی پابند احکام وغیرہ, ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. وہی جو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ کون کیا ہے اینڈ ہو از ہو, اس کو جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. کون دلانیاں جانے ہو ہم نہیں جان سکتے, لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی ایک بسیط فینومین نہیں ہے, بلکہ یہ کہ اس کے اندر بڑی کمپلیکیٹڈ صورتحال ہے. تو امریکہ بھی اس میں لگا ہوا, وہ چاہتا ہے یہاں پہ خانہ جنگی ہو. اب آئیے, یہ تو ہے علاقائی سیناریو جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا, افغانستان اینڈ پاکستان. اب آئیے ذرا عالمی نظر, اگرچہ میں اس موضوع پہ تقریریں کر چکا ہوں لیکن آج پھر اس گفتگو کے حوالے سے بات چیزیں تازہ کرتا ہوں. اس وقت عالمی سطح پر یہودی جمع عیسائی بریکٹ میں کر لیجیے, اور امریکہ جمع یورپ یہ بریکٹ میں کر لیجیے, ان کا معاملہ کیا ہے؟ اصل جو ہے اس میں پیچھے مائنڈ ہے, ماسٹر مائنڈ, سازشی ذہن, وہ یہود کا ہے. باقی عیسائی اعلی کار بن گئے ہیں. جو 100% اعلی کار ہے یہود کا وہ پروٹیسٹنٹس ہیں. پروٹیسٹنٹزم یہود ہی نے پیدا کرایا تھا, یہود ہی نے یورپ کے اندر سود کا رواج شروع کروایا, ورنہ سود حرام تھا وہاں پر بھی, یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی, دونوں حرام تھے, یہ یہودیوں نے کروایا. اور پھر پہلا بینک بنوایا ہے انگلستان کے اندر, بینک آف انگلینڈ, اور جو پوپ کے خلاف بغاوت کرائی تو پہلی بغاوت ہوئی انگلستان کے اندر, جو چرچ آف انگلینڈ علیحدہ ہو گیا پوپ سے, اور اسی کو یہودیوں نے قرار دیا یہ ہمارا ماڈرن اسرائیل ہے, یہ اسرائیل ہمیں دیا ہے گاڈ نے, یہ جو ہے برطانیہ. اس کے کچھ عرصے کے بعد یہی جو ہے ایکسوڈس ہوا ہے اور وہ امریکہ میں جا کے آباد ہوئے, لہذا امریکہ کو بھی جیوز نے کہا ہے دس از اندر اسرائیل, یہ ہمارے اصل اسرائیل, ماڈرن اسرائیل یہ ہے.
इसलिए कि जो उन्हें वहां पर इख्तदार हासिल हुआ, जो कुव्वत हासिल हुई है, जिस कदर दौलत उन्होंने वहां जमा की है, वहां के जिस तरीके से जकड़ लिया है हुकूमतों को, फरंग की रगे जहां पंजे यहूद में है। ठीक 100 साल पहले अल्लामा इकबाल ये मुशाहदा करके आ गए थे यूरोप में, और कौन देखने वाला था कि वहां क्या हो रहा है, बिहाइंड द सीन क्या है, सामने क्या है, पर्दे के पीछे क्या है। फरंग की रगे जहां पंजे यहूद में है। उस वक्त फरंग का इमाम था बरतानिया, ये वो सल्तनत थी जिसमें सूरज कभी गुरूब नहीं होता था। आज वो फरंग का इमाम अमेरिका है। ये बरतानिया तो अब वो जो एक नज़म है कि बचपन में पढ़ी थी, लंदन ब्रिज इज गोइंग डाउन गोइंग डाउन गोइंग डाउन, उसकी मिसाल है। बरतानिया की तो कोई हैसियत ही नहीं है, वर्ल्ड पावर की हैसियत नहीं है, वो तो छोटा भाई उसने बना रखा अमेरिका ने अपना, तो इस हैसियत से जो है उसकी कोई हैसियत है, वरना कोई और हैसियत नहीं। बहरहाल इन दोनों में ये है कि पीछे मास्टर माइंड, साजिशी जहन, प्लानिंग स्कीम सारी यहूदियों की, आलाकार अमरीका सबसे बढ़कर, उसके बाद बरतानिया, और इसमें असल प्रोटेस्टेंट्स, उनमें बैप्टिस्ट, उनमें उससे भी आगे बढ़कर इवेंजलिस्ट जिनको कहते हैं बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस, जिनको कहते हैं न्यू कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस, ये तमाम इस्तलाहात आप अखबार में पढ़ते होंगे, इनको ग्रुप कर लीजिए। ये असल आलाकार, इनको एक नया नाम दिया गया है, क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट। एक यहूदी ज़ायनिस्ट है, सारे यहूदी ज़ायनिस्ट नहीं है, बहुत से यहूदी हैं जो ये ज़ायनिस्ट के मुखालिफ। चुनाचे मेरी ह्यूस्टन में मुलाकात हुई थी डॉक्टर विश्व ग्रांड, बहुत बड़ा प्रोफेसर एमेरिटस यहूदी, लेकिन ये कि उसने कहा, बड़े इज्तिमा में कहा, हमारा इजलास था वहां पर, हमने ये जो है बुलाया था एक यहूदी एक ईसाई और एक मुसलमान, तीनों जो है वो तकरीरें करें। उसने कहा था कि वी आर नॉट सपोर्टिंग इसराइल, उसने वो ईसाई जो आया हुआ था प्रोफेसर उसकी तरह, दे आर सपोर्टिंग इसराइल, वी आर नॉट सपोर्टिंग इसराइल। इसी तरह मेरी जो हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल, उसमें एक यहूदी प्रोफेसर थे, वो हिस्ट्री के प्रोफेसर, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, उन्होंने कहा आई एम एंटी ज़ायनिज्म, मैं ज़ायनिज्म के खिलाफ हूं। तो ज़ायनिज्म जो है असल में एक सेक्युलर यहूदियों की तहरीक है, और उसके सबसे बड़े सपोर्टर्स क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट वो अमरीका में बैठे हुए। तो ये है सूरत हाल। ये जान लीजिए कैथोलिक्स जो हैं ये इतने प्रो यहूदी नहीं है, अब रफ्ता रफ्ता वो भी इसके अंदर आकर शामिल हो गए। यूरोप जो है ज्यादा कैथोलिक्स, रोमन कैथोलिक्स, रोमन कैथोलिक्स का ये भी आपने जुमला पढ़ सुना होगा कि ये जो तुर्की जो है हमारा मुल्क, ये जो कोशिश करता रहता है घुसने की यूरोपियन यूनियन के अंदर, तो एक दफा जान शिराक ने कहा था, बड़ा प्यारा जुमला था, व्हाई डजंट टर्की अंडरस्टैंड दैट वी आर ए क्रिश्चियन क्लब, ये हमारी जो यूनियन है यूरोपियन, ये तो क्रिश्चियन क्लब है, वो मुसलमान है, वो किस वजह से आना चाहता है अंदर, क्यों तो खुद दाखिल होना चाहता है, व्हाई डजंट टर्की अंडरस्टैंड दैट वी आर ए क्रिश्चियन क्लब। लेकिन ये है रोमन कैथोलिक्स, और इनका मैं बाद में आपको बताऊंगा। यही आपको मालूम है कि यूरोप ने आमतौर पर इसराइल का उतना साथ नहीं दिया जितना जो अमरीका देता रहा है, और किसी दर्जे में उनके दिलों में सॉफ्ट कॉर्नर जो है अरब फिलिस्तीनियों के लिए भी रहा है। ये मामला ईरान के बारे में भी रहा है, जिस कदर स्ट्रांग एक्शन अमरीका लेना चाहता है, ये जो है उसके साथ नहीं है। तो ये दोनों सा फर्क है, वो मैं उसका एक बुनियाद बाद में बता दूंगा आपको। बहरहाल इनका एक जो एजेंडा है वो दो, समझिए कि दो उसके निकात हैं, दो रस्सियों के मानिंद ये आपस में बटा हुआ है। पहला, आलम इस्लाम के मादी और मालियाती वसाइल खुसूसन तेल पर कब्जा, ये इनका दुनियावी एतबार से, दौलत के एतबार से, वसाइल के एतबार से इस वक्त का एजेंडा है। वैसे तो उससे ऊपर वो चाहते हैं पूरी दुनिया पर, वो तो बात की बात है, लेकिन अभी ना वो रूस को छेड़ रहे हैं ना चीन को छेड़ रहे हैं। चीन तो उनका सबसे बड़ा जो है बिजनेस पार्टनर है, सबसे बड़ा, और चीन को रफ्ता रफ्ता वो अपनी लाइन पर ला रहे हैं। अब तो सिर्फ ये कि वो एक पार्टी गवर्नमेंट वहां रह गई है जो कि कम्युनिज्म के दौर की यादगार है, बाकी उनकी जो इकोनॉमी है वो तो आ चुकी है इसी रुख के ऊपर जो यूरोप की है, मगरिब की है। नंबर दो एजेंडा क्या है, दुनिया में कहीं भी इस्लाम के बहसियत एक निजाम जिंदगी जाहिर होने का कोई मौका नहीं देना। वी हैव टू निप द इविल इन द बड एट एनी कॉस्ट।
یہ ان کے ایجنڈے کا دوسرا بڑا حصہ. یہ دو ہے انٹرٹوائنڈ, جیسے آپ لڑیوں کو پٹ دے کر رسی بناتے ہیں, ایسے یہ دو لڑیے ہیں. اسلام کا پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم کہیں نہ آ جائے دنیا میں, ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. یہ ابلیس نے کنکلوڈ کیا ہے, وہ جو ابلیس کی مجلس شورا ہے, ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کی شریعت دنیا کے سامنے آ جائے, پیغمبر کا نظام آ جائے. الحذر, آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. حافظ ناموس زن, مرد آزما مرد آفری, یہ معاشرتی نظام ہو گیا. موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے, نہ کوئی فخفور و خاکہ نہ گدائے رہنشی, یہ سیاسی نظام آ گیا. اور کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف, منموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین. تم دولت کے امین و مالک نہیں ہو. اور اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب, بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین, ان الارض للہ. یہ نظام کہیں نہ آ جائے دنیا میں, یہ جس میں کہ وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں, یہ تو تھا عصر حاضر کے تقاضے, لیکن یہ کہ صورتحال کیا ہے, ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں, ہے یہی یہ معاملہ اس طرح رکھو کہ خود مومن ہے محروم یقین. یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. ہمیں اگر کوئی سہارا ملتا ہے تو اس سے کہ مومنوں کو بھی, نام نہاد مسلمانوں کو بھی اپنے اس نظام پر یقین نہیں. وہ نماز پر یقین رکھتے ہیں, روزے پر رکھتے ہیں, زکوٰۃ کو بھی دو بیج اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے دیتا ہے, حج کرتے ہیں عمرے کرتے ہیں, یہ ہے سب. لیکن یہ کہ یہ غنیمت ہے, چشم عالم سے رہے یہ پوشیدہ یہ آئین تو خوب. وہ ابلیس کہتا ہے کہ یہ آئین چشم عالم سے پوشیدہ رہنا چاہیے. یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. ہمارے لیے جو ہے, اگر کوئی سانس لینے کی جگہ ہے تو وہ یہ ہے, حوصلہ افزائی اگر ہے تو اس میں ہے کہ خود مومن محروم یقین ہے, اس کے سامنے وہ راستہ ہے ہی نہیں. اب لیجئے یہودیوں کے ایجنڈے کو میں تجزیہ کر رہا ہوں. سب سے پہلے ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, گلوبلائزیشن, ٹرپس, ان تمام ہتھ کنڈوں کے ذریعے عالمی مالیاتی استعمار جو بظاہر امریکہ کا ہوگا, حقیقتاً یہود کا ہوگا. یہودیوں کے نزدیک پوری نوع انسانی حیوانوں کے مانند ہے. دے آر ناٹ ہیومن بینگس, دے آر گویمز, دے آر جینٹائلز. یہ انسانی شکل میں حیوان ہے, اور جیسے حیوانوں کو ایکسپلوائٹ کرنا, استعمال کرنا انسانوں کا حق ہے. گھوڑے کو آپ باندھتے رہے ہیں نا ٹانگے کے آگے, اور بیلوں سے آپ ہل جتواتے رہے ہیں, تو جیسے یہ حق ہے ایسے ہمارا حق ہے پوری دنیا کے جو ہیں وسائل ان کو کھینچیں. ہاں, جیسے گھوڑے اور بیل کو بھی کچھ نہ کچھ دانا تو ڈالنا پڑتا ہے, چارہ تو دینا پڑتا ہے, تو ان کو بھی کچھ دو. یہ پوری نوع انسانی ورکرز بن کر رہ جائے, حیوان بن جائیں, بالکل شہوت کے غلام بنا دو انہیں, اخلاقی اقدار کا بیڑا غرق کر دو, خاندانی نظام کو تہوبارہ کر دو. یہ باقاعدہ جو پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف دی زائن تھے, ان سب میں موجود ہے لکھا ہوا, جو 1897 میں انہوں نے پاس کیا اپنا پروگرام بیسل میں, سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے. پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف دی زائن, ان کو حیوان بنا دو, بس حیوانوں سے کام لیتے رہو. ہاں, ان کی کمائی کا کچھ حصہ ان کے لیے چھوڑ دو, وہ بھی زندہ رہیں, وہ بھی آخر کام کیسے کریں گے, اور اصل جو ہے ملائی کھینچ دو اپنے اس نظام کے ذریعے سے. ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, اسٹاک ایکسچینج, ٹرپس, گلوبلائزیشن, اس کے ذریعے سے عالمی مالیاتی استعمار. نمبر دو, ایک ہے ان کا ایجنڈا, یہ تو عالمی ہے. دوسرا ایجنڈا کیا ہے, وہ لوکل ہے. وہ کیا ہے, گریٹر اسرائیل کا قیام, جس میں مصر کا سارا زرخیز علاقہ شامل ہوگا, جو ڈیلٹا کا علاقہ کہلاتا ہے اس کا, جہاں کے اس وقت کے بادشاہ نے, حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ نے, وہ فرعون کے خاندان میں سے نہیں تھا, وہ عرب تھا, عربوں ہی سے کسی وقت کوئی قوم آئی تھی جو کہ مصر پر قابض ہو گئی تھی. اس نے حضرت یوسف کے خاندان کو لا کے وہاں آباد کیا, بہترین جشن کا علاقہ کہلاتا ہے وہ.
बेहतरीन। वो कहते हैं हमारा है, हम रहे वहां पर कई सौ बरस तक रहे, इराक हमारा है, वहां हमें कैद में रखा गया, नबूकदनज़र ले गया था। अरब का शिमाली हिस्सा जो हमारा है, वहां खैबर में यहूदी गढ़े किले थे, और वहां मदीने के अंदर जो है तीन कबीले यहूदी थे जिन्हें मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से निकाल बाहर किया था। ये जॉर्डन वॉर्डन, ये तुर्की का भी कुछ हिस्सा हमारा है, बाकी पूरा लेबनान और पूरा फिलिस्तीन, ये सब इसके ऊपर बनेगा एक ग्रेटर इसराइल। दिस इज देयर लोकल एजेंडा, और इसके लिए जरूरी है एक बहुत बड़ी जंग। ऐसे आसानी से नहीं हो जाएगा। आर्मगेडॉन जिसको हुजूर ने फरमाया अल मलहमतुल उज़्मा अल मलहमतुल कुबरा, बहुत बड़ी जंग जिसकी खौफनाकी और तबाहनाकी का अंदाजा इससे कीजिए। हुजूर फरमाते हैं कि अगर एक बाप के 100 बेटे या एक दादा के 100 पोते होंगे तो उनमें से 99 खत्म हो जाएंगे, एक बचेगा। और एक जगह फरमाते हैं इतनी अमवात होंगी, इतनी लाशें होंगी कि एक निफासत पसंद परिंदा जो है, जो गंदगी पर नहीं उतरना चाहता, एक तो है ये कौवे चीले गिद्ध, वो तो गंदगी ही की तलाश में है मुर्दार खाने के लिए, वो तो लाशों को नोच रहे होंगे। वो परिंदा जो है निफासत पसंद परिंदा, वो नहीं उतर सकेगा, उड़ता उड़ता चला जाएगा, लेकिन लाशों का सिलसिला खत्म नहीं होगा, यहां तक कि थक हार कर लाशों पर गिर जाएगा। ये दूर नहीं है, इसलिए कि इस पर मुत्तफिक हैं यहूदी भी और ईसाई भी, प्रोटेस्टेंट्स ईसाई इसके ऊपर पूरी तरह मुत्तफिक हैं। आर्मगेडॉन जिसे आप थर्ड वर्ल्ड वॉर कह लें, अल मलहमतुल उज़्मा कह लें, अल मलहमतुल कुबरा कह लें, हुजूर के अल्फाज में ये आएगी, इसके नतीजे में ग्रेटर इसराइल बनेगा। नंबर तीन, फिर बनेगा थर्ड टेम्पल जो टाइटस ने गिरा दिया था 70 में, सन 70 ईस्वी, जिसे गिरे हुए कितना अरसा हो गया, 2008 अंदाजा कर लीजिए, 1800 कितने बरस हो चुके, वो दोबारा बनाएंगे थर्ड टेम्पल, और उसके लिए मस्जिद अक्सा को गिराएंगे और डोम ऑफ द रॉक कुब्बतुस सखरा उसे गिराएंगे, वहां लाकर फिर उसमें किंग डेविन्स थ्रोन लाके रखा जाएगा। ये भी मेरे इल्म में पहली मर्तबा उसी ट्रम्पट के सारे से आया, वो क्या है, हजरत दाऊद का, आज से कितने हजार साल पहले की बात है, अंदाजा की 1000 कबल मसीह, और ये अब 2000 हो गया ईस्वी, 3000 वर्ष तो हो गए। वो क्या था, एक पत्थर था जिस पर बिठाकर हजरत दाऊद की ताजपोशी की गई थी, फिर उसी पर हजरत सुलेमान की ताजपोशी हुई, फिर उसी पर उनके बादशाह आते रहे, ताजपोशी होती रही। टाइटस ने जब गिराया है सन 70 ईस्वी में यरूशलेम को बर्बाद किया, 133,000 यहूदी एक दिन में कत्ल किए, एक दिन में, बाकी निकाल दिया, भाग जाओ यहां से, इसको कहते हैं डायस्पोरा दैट स्टार्टेड इन 70 AD, ये मुंतशिर हो गए, जिसका जहाज जी सिंह समाया चला गया, यूरोप में चले गए, शिमाली अफ्रीका में, मुसलमान मुल्कों में, इंडिया में आ गए, ईरान में आ गए, सब जगह वहां से निकाल दिए गए डायस्पोरा। बहरहाल वहां से वो टाइटस वो पत्थर ले गया, वो रोम में ले गया, रोम से किसी तरह वो आयरलैंड पहुंच गया। आयरलैंड प्योर कैथोलिक मुल्क है आपको मालूम होगा, और वहां पर प्रोटेस्टेंट्स की और कैथोलिक्स की जंगें होती रहती हैं, कभी भी शिया सुन्नी मुसलमानों की इस तौर से खाना जंगी नहीं हुई है जैसे कि वहां इन दो ईसाइयों में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में होती है, वो रोमन कैथोलिक मुल्क है बेसिकली। वहां से वो इंग्लैंड में आया, इंग्लैंड में जब आ गया, बल्कि वहां से स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड से इंग्लैंड, इंग्लैंड में फिर उसको एक कुर्सी के अंदर उसकी सीट की हैसियत से बनाकर एक थ्रोन की शक्ल दे दी गई, और वो जो वेस्टमिंस्टर एबे है बर्तानिया के पार्लियामेंट के साथ जो चर्च है वेस्टमिंस्टर एबे, वहां उसको लाके रख दिया गया। उस वक्त से बर्तानिया के बादशाहों और मलकाओं का की ताजपोशी वहां होती है। तो एक ये है कि फिर उसको लाकर वहां रखेंगे। अब यहां से इख्तलाफ है, ये नोट कर लीजिएगा, यहां तक ईसाइयों का यहूदियों का एजेंडा एक, यहां इख्तलाफ है। यहूदियों के नजदीक उनका मसाया आएगा और वो वहां बैठकर पूरी दुनिया पर राज करेगा, वो मसाया जिसकी खबर दी गई थी शुरू की किताबों में, जो तौरात की अब इब्तदाई किताबें हैं,
تو وہ تو حضرت مسیح کی شکل میں آ گئے. دی پروفیسی واز فلفلڈ. یہودیوں نے نہیں مانا, انہیں تو قرار دیا جادوگر ہے, کافر ہے, مرتد ہے, ولد الزنا ہے, اور اپنے بس پڑتے سوری پر چڑھوا دیا. وہ دوسری بات ہے اللہ نے کیا کیا, وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. چنانچہ یہ کہ دی سچویشن از ویکنٹ, وہ مسیحا کی جگہ بھی باقی ہے ان کی, اینڈ دے آر ویٹنگ فار ہم. تو وہ آئے گا اور وہ یہاں اس تخت داؤد پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کرے گا. عیسائیوں کا کہنا کیا ہے کہ در حقیقت حضرت مسیح نازل ہوں گے, سیکنڈ کمنگ آف جیسس, جس کو ہم بھی مانتے ہیں. اگرچہ ہوگا کیسے, حالات و واقعات کا کیا ہمارے نزدیک رنگ ہے وہ کچھ مختلف ہے, وہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. حضرت مسیح علیہ السلام پھر اس تخت پر بیٹھیں گے ان کے عیسائیوں کے مطابق. چنانچہ پوپ جو مر گیا ہے پال ٹو پال سیکنڈ, اس کو یہ ٹرمپٹ والے کہتے ہیں شیطان, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس شیطان نے دی اولڈ اینشنٹ رومن ہولی رومن امپائر کو ریوائیو کیا ہے یونائٹڈ یورپ بنا کر. اور ان کا مقصد کیا ہے کہ یہ فلسطین میں ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. یہودی اپنی حکومت چاہتے ہیں جو ہے, اور وہ اپنی حکومت چاہتے ہیں. یہ ان کا کہنا ہے, یہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کس حد تک ان میں ایک دوسرے پر الزام درست ہے. لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انڈونیشیا کے اندر بھی ہوا تھا, ایک جزیرے کو تقسیم کر دیا, ایک حصہ جو ہے اس کا وہ رومن کیتھولک ریاست بن گیا ہے. خشاد نائجیریا میں بھی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے کچھ تھوڑے علاقے کے اندر, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے, لیکن بہرحال یہ ان کا. عیسائیوں کا معاملہ کیا ہے, میں نے جیسا کہ بتایا کہ یہ تو اس ایجنڈے کے اندر متفق ہے, اور عیسائی بھی ورلڈ ڈومینیشن, مالیاتی جو ہے استعمار اس کے لیے کوشاں ہیں. لیکن ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے علیہ الصلوۃ والسلام, اور وہ حکومت کریں گے. اس پورے ڈرامے کا اسکرپٹ پورا یہودیوں کا لکھا ہوا ہے, اور انہی کی سازش اس پورے ڈرامے کے پیچھے ہے. البتہ بظاہر اس ڈرامے کا بڑا کیریکٹر, جسے آپ ہیرو کہیں, وہ امریکہ ہے, اور اس کے تابع یورپ بھی ہے. یہ ہے عالمی سطح پر معاملہ اس وقت. ویسے میری دو کتابیں جو ہیں اس پر, کتابچے ہیں, چار سال پہلے میں نے اسی مقام پر دو تقریریں کی تھیں, ایک موجودہ عالمی حالات اور اسلام کا مستقبل, وہ دوسرا حصہ جو میں اس وقت نہیں چھیڑ رہا, ہوگا کیا اصل میں, جس میں یہ ہے کہ کہیں اسلامی ریاست قائم ہو, خلافت کا نظام قائم ہوگا, ہوگا کہاں ہوگا یہ میں بحث نہیں کر رہا. حضرت مہدی کا ظہور ہوگا, وہ آئیں گے عرب کے اندر. پھر یہ ہے کہ وہ جو گریٹر اسرائیل کے خلاف جہاد ہوگا, اور اللہ کرے گا کہ رفتہ رفتہ یہ ممالک جو ان سے لے لیے جائیں گے, یہاں تک کہ بالآخر ایک یہودی اعلان کر دے گا میں ہوں مسیح, جس کو کہ عیسائی بھی کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ, اور یہ کہتے ہیں یہ بیپٹسٹ بھی کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ یہودی ہوگا, جبکہ کچھ عرصے پہلے بہت بڑا پروپیگنڈا ہوا تھا کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے دجال جو ہے وہ تو مسلمان ہوگا نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہوگا یہودی ہوگا. اور پھر اس یہودی کو قتل کریں گے حضرت مسیح, دی ریئل مسیح, اصل مسیح جو اٹھا لیے گئے درمیان میں, وہ آئیں گے اور ان کے ہاتھوں دجال بھی قتل ہوگا, اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں ایک ایک یہودی ختم ہوگا. پھر ایک عالمی اسلامی ریاست قائم ہوگی حضرت مسیح کے ہاتھوں, اور وہاں پر حضرت مسیح ایک حدیث میں آتا ہے 40 برس تک پوری دنیا پر حکومت کرے گی. بہرحال یہ دوسرا پکچر ہے جو ہمارے سامنے, میں اس وقت کی تصویر میں نہیں جا رہا, جو ان کے سامنے پکچر ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا. اب اس میں تجزیہ کیجئے, افغانستان پر حملے کا اصل سبب جو میں نے دو بتایا نا, دو لڑیاں ہیں ان کے ایجنڈے کی, ایک اسلام کہیں ظاہر نہ ہو جائے, اسلام کا نظام ظاہر نہ ہو جائے, اور ایک مسلمانوں کے مالیاتی خاص طور پر تیل کے وسائل پر قبضہ. اب افغانستان میں کیا ہوا ہے, یہ سارا معاملہ تھا اسلام کا راستہ روکنے کے لیے, کہ یہاں تو اسلام ایک شکل دکھا رہا ہے اپنی, اور اگر انہیں موقع مل گیا تو یہ تو ایک ایسی ویلفیئر سٹیٹ قائم کر دیں گے, زکات کا نظام قائم ہو جائے گا تو اعلیٰ ترین ویلفیئر سٹیٹ قائم ہو جائے گی, اور اگر یہاں پر جو ہے یہ ساری سزائیں نافذ ہو گئی, معاشرہ کرائم فری ہو جائے گا, لوگوں میں محبت ہوگی, مساوات ہوگی, اور یہ کہ عام لوگوں کے لیے ویلفیئر ہوگا, اور یہ سامنے نظام آ گیا تو پھر ہمارا یہ نظام کیپیٹلزم یہ کہاں رہے گا, اس کو تو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. لہذا افغانستان پر حملے کا اصل موٹو یہ ہے. البتہ یہ ساتھ ہی یہ بھی تھا کہ افغانستان کے راستے سے
सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं उनसे पाइपलाइनें लाकर और वो फिर कहीं गवादर के आसपास समंदर तक लाए जाए ताकि हम वहाँ के जो है ड्रेन कर सकें जो तेल और गैस के ज़खायर हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अंदर जो मुसलमान स्टेट्स हैं। तो इसके लिए रास्ता जो है वो लेना चाहते थे अफगानिस्तान से। अब वो जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है वो तो उनके कब्जे में है, जब चाहे कर लें। अब पाकिस्तान का मामला जो था वो जैसा कि मैंने कहा कि उसका रास्ता वो रुक गया जबकि उन्हें वापस जाना पड़ गया। लेकिन इन्होंने अफगानिस्तान में कोशिश की तालिबान के ज़माने में। यूनिकॉल जो है उनकी सबसे बड़ी जो है कंपनी है उसने मुज़ाकरात किए, वो देखकर हैरान रह गए कि ये अनपढ़ ये मुल्ले मुलाटे जो हैं ये तो बड़े टफ बार्गेनर हैं, इस तरीके से पांव जमा कर तालिबान ने जो उनके साथ मुज़ाकरात किए हैं और उनसे अपनी शर्तें पेश की हैं कि वो घबरा कर भाग गए। ये सूरत हाल भी थी अफगानिस्तान पर कब्जा करने में। लेकिन यह है कि असल क्या था कि वो इस्लाम की कोई शक्ल दुनिया के सामने ना आने पाए जो उनका मेजर है। इसीलिए पूरा आलम कुफ्र जमा है, अमेरिका यूरोप रूस चीन सब जमा है, भारत तो ही है, ये सब जमा है। आपने याद हो गया जब लाल मस्जिद का हादसा हुआ है और हमारा ये बदबख्त और बदमाश इंसान इसने सिर्फ खुद जानबूझकर उसे बढ़ाया, एक फिंसी को फोड़ा बनाया उसमें फिर शिगाफ दिया और शाबाश ली है, अमेरिका से शाबाश आ गई, नेटो से शाबाश आ गई, रशिया से शाबाश आ गई, चाइना से शाबाश आ गई। वो जो कि महसूस कर रहा था कि अंदरूने मुल्क तो मेरी अब किश्ती डगमगा रही है, डावाडोल है, आई हैव टू हैव मोर सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड और फॉर देट आई हैव टू डू इट कि देखो मेरे ऐन कल्ब में पाकिस्तान के ये फोड़ा निकल आया था, ये बुनियाद परस्ती का और ये शिद्दत पसंदी का और ये तंग नजरी का और ये फलां का ये दहशत गर्दी का, और मैंने देखो कैसे उसमें चीरा दिया है, कितने लोगों को ख़त्म कर दिया है। अच्छा, इसमें ये भी जहन में रखिए कि अफगानिस्तान के बारे में यहूदियों के इल्म में है कि हुजूर की हदीसें क्या है। हुजूर की हदीस है यखरुजु मिन खुरासाना रायात सूद रायात सूद, खुरासान के इलाके से काले झंडे लेकर फौजें चलेंगी, ला यरदुहा शैयुन कोई ताकत उनको रुख नहीं मोड़ सकेगी, हत्ता तुन सबब एलिया यहां तक कि वो आके बैतुल मुकद्दस में झंडे गाड़ दिए जाएंगे। दे नो इट, ये जान लीजिए ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं, जब 1967 में यहूदियों को फतह हुई बहुत बड़ी और पूरा यरूशलेम अब उनके कब्जे में आ गया, ईस्ट यरूशलेम जो कि अभी जॉर्डन के कब्जे में था, तो जब मौशे दायान था वो काना वो दाखिल हुआ फातह की हैसियत से, तो उसके साथ एक रब्बाई था बहुत बड़ा चीफ रब्बाई यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम, और वो रो पड़ा, था तो फतह का वक्त खुशी का, रोया। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, ये अल्फाज आए अखबार के अंदर, गोया कि अब ये आखिरी ड्रामा जो है शुरू हो गया है। वो आखिरी ड्रामा उन्हें मालूम है, उनकी तबाही पर ख़त्म होना है। इसमें हजरत मसीह के नज़ूल के बाद ये ट्रम्पट वाला भी लिखता है कि 80% यहूदी कत्ल हो जाएंगे, और मैं समझता हूँ कि 20% अगर सही है उसकी बात तो वही है, वो होंगे जो अब हजरत मसीह पर ईमान ले आएंगे, बाकी 80% अपने उस कुफ्र पर अड़े रहेंगे और कत्ल होंगे। इसी तरह हुजूर की एक हदीस है कि जब यहूदियों का कत्लेआम हो रहा होगा और मुसलमान कत्ल करेंगे, तो अगर किसी दरख्त के पीछे यहूदी छुपा होगा तो दरख्त पुकारेगा आए मुसलमान, यहां अब्दुल्ला आओ इधर, ये मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ कत्ल करो इसे। किसी पत्थर के पीछे छुपेगा तो पत्थर बोलेगा, सिवाय एक दरख्त गरकत के, गरकत यहूदियों का दरख्त है वो पना देगा। और आज इसराइल में सबसे बड़ी प्लांटेशन गरकत की है, दे नो इट। इसीलिए अफगानिस्तान खुरासान ये अफगानिस्तान का हार्ट है अफगानिस्तान। और ये भी जान लीजिए हमारा जो मालाकंड से ऊपर का इलाका है ये भी खुरासान का हिस्सा है, ओल्ड खुरासान जैसे ग्रेटर खुरासान कहा जाता है हिस्ट्री में। एक मैंने ईरानी से पूछा था उसके बारे में, तो उसने कहा खुरासान हमारा एक सूबा है। मैंने कहा वो तो मुझे मालूम है, जिसका दारुल खिलाफा मशहद है और ये उनका मुकद्दस शहर है, वो तो उसे मक्के की तरह समझते हैं। बहरहाल मैंने कहा मैं पूछ रहा हूँ पुराना ओ खुरासान बुजुर्ग, तो खुरासान बुजुर्ग का उन्होंने बताया पूरा अफगानिस्तान उसमें शामिल है।
और फिर ये स्टेट्स जो हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स और ईरान का एक हिस्सा और पाकिस्तान का एक हिस्सा, ये जो मालाकंड कहलाता है। और ये बड़ी मानाखेज बात है कि वही मालाकंड से तहरीक चली है, जो असल तहरीक है तालिबान पाकिस्तान, वो सवाद से चली है। बहरहाल इस वजह से, इस पहलू से ये जो है अफगानिस्तान पर हमले का सबसे बड़ा सबब वो था। दूसरा जो था वो ये कि उनको जो पाइपलाइन लेके आनी थी उसके लिए, लेकिन वो जाहिर बात है कि उसमें जो है जो तालिबान ने वो उनकी चकमे में नहीं आए। इस पर एक किताब है कि जो अंग्रेजी में है, आबिदुल्ला जान की, अफगानिस्तान द जेनेसिस ऑफ द लास्ट क्रूसेड, अफगानिस्तान से आखिरी सलीबी जंग का सिलसिला शुरू हो रहा है। बहुत जो है चश्मकुशा है, मालूमात अफसा है, अंग्रेजी में है। अच्छा, इराक में मामला बरक्स था, इराक में तेल का मामला भी था, दूसरे वो अमरीका का था। जो यूरोप है वो ज्यादातर कैस्पियन के एरिया के तेल की तरफ निगाहें रखता है, ये जो है ये असल में सारा जो है ये अमरीका का मामला है। और दूसरी तरफ ये कि यहां को मजहबी सिलसिला नहीं था, हालांकि था, वो यहूदियों का था। वो क्या था? एक्सटेंशन, फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रेटर इसराइल। ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए। यहां पे तेल का मामला भी, मैंने कहा था ना, दो लड़ियां हैं जो चल रही हैं। तेल का मामला यहां खासतौर पर इराक के अंदर ज्यादा, अफगानिस्तान में बहुत कम। लेकिन ये कि यहां पर भी जो असल है बिहाइंड द सीन, जो असल चीज क्या है कि ग्रेटर इसराइल के क्याम की तरफ पहला कदम। मैं याद दिलाता हूं आपको, जब फर्स्ट गल्फ वॉर हुई थी जिसमें इराक का भुरकस निकाल दिया गया था, उसके इख्तिताम पर कहा था श्वार्ज़क्रॉफ्ट, जो उनका कमांडर इन चीफ था एलाइड फोर्सेस का, उसने साफ कहा था, मुझे आज तक एक एक लफ्ज याद है, वी फॉट दिस वॉर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इसराइल। और अब जो अभी हुआ मामला, जब सद्दाम गिरा है, उसका मुजस्मा भी गिरा है, तो उसके बाद वो शख्स, वो बदबख्त, वो खबीस जो अभी पड़ा हुआ कोमे में, शेरॉन ने कहा था अनकरीब इराक पर हमारी हुकूमत होगी। और इससे पहले तो हम सिर्फ इराक में से यूफ्रेट्स तक का इलाका मांगते थे, दरियाए फुरात तक का। अब हमारा मुतालबा यह है कि हम तो दर हकीकत दजला तक जाएंगे, दजला, ताकि पूरा का पूरा जो फर्टाइल जो दोआबा है दजला और फुरात के दरमियान का बेहतरीन इलाका, वो सारा हमारे पास। तो इससे आप अंदाजा कर लीजिए कि ये दोनों चीजें जो हैं दोनों जगह मौजूद हैं। वहां मजहबी ज्यादा है अफगानिस्तान का, लिहाजा यहां बहुत बड़ी जो है कोलिशन बन गई। इराक में तो वो कोलिशन नहीं बन सकी, यूरोप भी साथ नहीं आया, कोई और भी साथ नहीं आया, अमरीका हैड टू गो इट अलोन, उसे करना पड़ा है। ज्यादा से ज्यादा कोई टोकन ऑस्ट्रेलिया का, कोई टोकन मामला जो है वो बरतानिया का, कुछ शायद टोकन टाइप जो है वो भी, ये कॉमनवेल्थ पुरानी जो है चली आ रही है उसमें शायद कैनेडा का, बाकी तो कोई नहीं। ये जो ऑल वर्ल्ड कोलिशन बनी थी वो अफगानिस्तान के खिलाफ क्यों है? यहां से इस्लाम की रिसर्जेंस का अंदेशा है। यखरुजु मिन खुरासान रायात सूद ला यरुद्दुहा शयुन हत्ता तुन सबब एलिया। हुजूर के जमाने में एलिया जो है वो किन के कब्जे में था? ईसाइयों के। उसके बाद हमारे कब्जे में आया, लेकिन फिर क्रूसेडर्स ने हमसे ले लिया था और 88 बरस वो ईसाइयों के पास रहा, 1099 ईस्वी से लेकर 1187 तक। अब फिर यहूद का कब्जा है, पहले ईसाइयों का था, अब यहूद का है। अब इनसे लेना वापस, पहली मरतबा भी अरब नहीं ले सके थे, खोने वाले अरब थे, वापस लेने वाला कुर्द था, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। अब भी खोने वाले अरब हैं, मिस्र और शाम और उर्दुन, तीनों का मुकाबला किया उसने, इसराइल ने, और कब्जा किया पूरे वेस्ट बैंक पर, गोलान हाइट्स पर, सिनाई पेनिनसुला पर, और ये खो दिया हमने अपने हाथ से। और अब भी अरबों में तो कोई दम नहीं है, कोई जान नहीं है, उनको अय्याशियों ने, दौलतमंदी ने बिल्कुल तबाह बर्बाद और खोखला करके रख दिया। बहरहाल ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं,
ये तो वो प्लान्स हैं जो सब शयातीन जिन्नो इंस के प्रोग्राम हैं। वो जैसे कि कभी कहा था खुमैनी साहब ने, शैतान बुजुर्ग, द ग्रेटेस्ट शैतान अमरीका, असल में अमरीका और उसके पीछे हकीकत में यहूद, सामने अमरीका पीछे यहूद। बिलफेल क्या होगा ये तो फिर अल्लाह ही जानता है क्या होगा। वह मकरू व मकर अल्लाह, काफिर अपनी चालें चलते हैं, अल्लाह अपनी चाल चलता है। और सनस्तदरिजहुम मिन हैथु ला यालमून व उमली लहुम इन्ना कैदी मतीन। ए नबी, आप घबराएं नहीं, हम इन काफिरों को रफ्ता रफ्ता वहां से ले आएंगे जहां से आपको भी इन्हें एहसास तक नहीं होगा कि ये तो गिरफ्त में आ रहे हैं, ट्रैप हो रहे हैं, और अभी जरा मैं इन्हें ढील दे रहा हूं, मैं इमला उमली लहूं इन कैदी मतीन, मेरी चाल बहुत मजबूत है। वो अल्लाह क्या करेगा वो मैंने आपको बताया, झलक दिखा दी है। इंशाअल्लाह इसी इलाके में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और इसका हार्ट होगा ये पश्तूनिस्तान सरहद और मशरकी अफगानिस्तान मिलकर पश्तूनिस्तान, पश्तून इसी मशरकी उसमें है, पाकिस्तान का मगरबी सूबा है, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा, ये हार्ट और फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इंशाअल्लाह यही होगा। और फिर यह कि यहां से फौजें जाएंगी जो हजरत मेहदी की हुकूमत जमाएंगी अरब के अंदर, अरबों में जान नहीं है कि वो मेहदी की हुकूमत को जमा सके। यखरुज नासु मिन अल मशरिक युअतिउन लिल महदी यानी सुल्तान, ही मशरिक की तरफ के किसी मुल्क से फौजें आएंगी जो मेहदी की हुकूमत कायम करेंगी, अरबों में दम नहीं। बहरहाल होगा क्या वो मैंने कहा कि ये तो अल्लाह के हाथ में है। अब ये कि करना क्या चाहिए, ये है मेरी तकरीर का आखिरी हिस्सा। देखिए, जुल्फिकार मिर्जा ने जो कुछ कहा और सैयद कायम अली शाह ने, मैं खुशाइन समझता हूं कि तालिबानाइजेशन और है, इस्लामाइजेशन और है। ठीक है, तेरी आवाज मक्के और मदीने। तालिबानाइजेशन के अंदर कुछ बगैर तालीम याफ्ता, कुछ जज्बाती, कुछ इस तरह के लोग भी हैं जिनमें इंतहा पसंदी भी है, जैसे कि मैं पहले बयान कर चुका, अफगानिस्तान में हुआ है, अफगानिस्तान के अंदर भी रफ्ता रफ्ता वो अपनी चीज़ों से निकल रहे थे, निकल जाते हैं, लेकिन मौका नहीं दिया गया, निपटी बट खत्म कर दिया गया। इसी तरह हमारे सरहदी सूबे में जैसा कि मैं बताया, तीन कुवतें बरसरकार हैं, हु इज हु नोज इट, कौन क्या है। लेकिन बहरहाल ये कि पहली बात ये, इस्लाम और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है, या इस्लाम आएगा तो ये मुल्क रहेगा, नहीं आएगा तो खत्म हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। मेरी दो किताबें पढ़ लीजिए अगर अल्लाह तौफीक दे, हिम्मत दे, इस्लाम और पाकिस्तान, ये सन 67-68 की तहरीरें मेरी हैं, जेनेसिस ऑफ पाकिस्तान क्या था, हाउ पाकिस्तान केम इन टू एग्जिस्टेंस, फिर ये कि मैंने इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से सन 85 के अंदर किताब लिखी है, ये दोनों किताबें पढ़ी है। पाकिस्तान का कोई जवाब नहीं अगर यहां इस्लाम ना आए, और वाकई तो हम जवाब खो चुके हैं, ये तो अल्लाह ताला हमें मोहलत दे रहा है। लेकिन अब ये समझ लीजिए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक खास मोहलत है, और शायद आखिरी मोहलत है जो हमें मिल रही है। यहां इस्लामाइजेशन न हुआ तो ये मुल्क नहीं रहेगा। मैं यहां आपको एक शेर सुना दूं, है तो एक ऐसी शख्सियत का जो कुछ कंट्रोवर्शियल भी हो गई, बाद में बदनाम भी हो गई, एक ज़माने में जमात इस्लामी के बड़े मुखलिस कारकुन थे वो, मौलाना कौसर नियाज़ी, उन्होंने एक बड़ा तल्ख शेर कहा था, इस्लाम को अगर तेरी फिजा रास ना आए, ऐ मेरे वतन तुझको कोई आग लगाए, हमें इस्लाम चाहिए, और इस्लाम नहीं आएगा तो ये मुल्क नहीं रहेगा। कोई जरदारी, कोई नवाज शरीफ इस मुल्क की बका की जमानत नहीं दे सकता, इसकी बका है अगर तो इस्लामाइजेशन में। 61 साल की हमारी बेवफाई अल्लाह के साथ किए हुए वादे की, उसका एक अजाब अदना हम झेल चुके हैं। 71 याद की इंसान 71, पाकिस्तान 2 लख, 93,000 मुसलमान
पाकिस्तानी भारत की कैद में भेड़ों बकरियों की तरह हांक कर ले जाए गए ट्रकों में भर भर कर, जैसे कि डेरा गाजी खान से भेड़ें बकरियां आती है लाहौर में ज़िबा होने के लिए कंसंट्रेशन कैंप्स में। हमारे टाइगर नामी जर्नैल ने पेश किया अपना रिवाल्वर, कितने लोग मारे गए, कितना फसाद हुआ, मुसलमान के हाथों मुसलमानों का खून कितना हुआ। ये अल्लाह का एक खास अजाब होता है। मैंने वो आयत आपको सुनाई थी, قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، اے نبی سے کہہ دیجئے اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے، جب چاہے تم پر کوئی عذاب اوپر سے بھیج دے، تمہاری زمین کے نیچے سے نکال دے۔ زلزلہ آیا تھا کہ نہیں؟ او يلبسكم شيعا، ایک تیسری شکل بھی ہے، نہ اللہ آسمان کو کوئی تکلیف دے نہ زمین کو، زمین پھٹے گی تو آدمی جائے گا نا اندر، بلکہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے، او یلبسکم شیعاً سکم شیعاً فیزیق بعضکم بعض بعض، تو ایک دوسرے کی قوت کا ایک دوسرے کو مزہ چکھائے، تم خود ایک دوسرے کے گلے کاٹو، ہمیں کسی اور قوم کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ کام ہمارے ساتھ ہو چکا ہے 1971 میں۔ بہرحال اب اس کے بعد بھی تاخیر تو ہماری جو کی تو ہے، اب ہم اس جگہ پر پہنچ گیا کہ شاید اب عذاب الاکبر آنے والا ہے۔ وہ آیت بھی میں نے شروع میں پڑھی تھی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ چھوٹا عذاب آیا 1971 میں پاکستان، بہرحال مغربی پاکستان تو برقرار رہا، اس کا نام بھی پاکستان رہا، اب شاید بڑا عذاب آ رہا ہو، بلکنائزیشن جس کے نقشے جو ہیں دنیا میں شائع کیے جا چکے ہیں۔ اور اس اسلامائزیشن کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر یہاں پاکستان نہیں رہے گا، اس کے لیے اس کی جو دستوری تدریجی قانونی پرامن اگر راستہ اختیار نہ کیا گیا تو ملیٹنسی بڑھے گی، یہ رکنے والی نہیں ہے۔ یہ جو اوپر کا جو علاقہ ہے، ایک ٹرائنگل ہے جس کا نقشہ کھینچا ہے ایک بہت بڑے مصری ادیب اور مورخ نے، شکیب ارسلہ ان کا نام تھا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ پامیر سطح مرتفع جو ہے، پامیر جسے روف آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے، اس سے پہاڑوں کے سلسلے نکلتے ہیں، کوئی چین کی طرف چلا گیا، کوئی تبت کی طرف چلا گیا، کوئی قراقرم ادھر آ گیا پاکستان کی طرف، ہمالیہ آ گیا پاکستان انڈیا کی طرف، ادھر ہندو کش چلا گیا افغانستان میں، یہ سب جیسے کہ ایک جو پہیا ہوتا ہے اس کے جو لگے ہوتے ہیں اسپوکس جنہیں کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایک طرف ہمالیہ اور ایک طرف ہندو کش، اس کے درمیان میں جو قوم رہتی ہے، اب نوٹ کر لیجئے، یہ ہمالیہ کا اینڈ جو ہے مغربی، وہ کیا یہ نتیا گلی وغیرہ اسی کا حصہ ہے، اس کے بعد ختم، دریائے سندھ بہ رہا ہے لیکن اوپر جا کر وہ ٹرن دیتا ہے رائٹ کو، تو پھر اب وہ قراقرم اور ہمالیہ کے درمیان جاتا ہے، یہاں تک کہ انڈیا سے جو اس کا داخلے کا راستہ آ جاتا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ درمیانی راستہ، یہ اصل میں ہندو کش ادھر اور ہمالیہ ادھر، اس کے درمیان جو قوم آباد ہے، اور اس ٹرائنگل کا بیس ہے مالاکنڈ کا پہاڑ، مالاکنڈ، ہمالیہ، ہندو کش، اس ٹرائنگل میں جو قوم آباد ہے، شکیب ارسلاں کہتا ہے اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں تب بھی یہاں کے لوگوں میں اسلام کی نبض چلتی رہے گی، یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے پاکستان کے طالبان کا آغاز ہوا، جہاں سے پرامن تحریک چلی تھی اس کا راستہ روک دیا گیا، اب وہ شدت پسندی پر آ گئے ہیں، اور یہ شدت پسندی بڑھے گی اگر آپ نے تشدد سے روکا، اگر امریکہ کے چمچے بنے رہے، اگر امریکی ایجنڈے ہی کو پورا کرتے رہے اور اپنے لوگوں کو مارتے رہے، تو جواب میں غریق چراغ حقیقت کو گل کیا تم نے تو موج دودھ سے صد آفتاب ابھریں گے۔ یہ اب جو آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں آپ کے، یہ خودکش حملہ آور، یہ وہی ان لوگوں کے رشتہ دار ہیں نا جو امریکی بمبارڈمنٹ میں مارے گئے ہیں، کتنے ہیں جن کے بچے ختم ہو گئے، بیٹے مر گئے، یہ جو ہمارے ہاں ایک کمانڈوز کے کیمپ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اور خودکش بمبار جس نے کہ شاید 18-19 بہترین آپ کے کمانڈوز ختم ہوئے تھے، وہ کون تھا؟
वो खुद कमांडो था, अंदर कोई और तो जा ही नहीं सकता था, ये कमांडो उसका कैंप था और उसके मेस में लोग जा सके, कोई जा सके, वो खुद कमांडो था। उसकी बेटी लाल मस्जिद के अंदर जली थी। अब आप अंदाजा कीजिए कि उसके दिल में जो 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 खोल रहा था उसका जज्बा, उसने उसको ठंडा किया खुद जान देकर। तो जान लीजिए, उधर बाजौड़ में हमला हुआ था, इधर जो हमारी मिलिट्री परेड के ऊपर हमला हो गया। तो ये बात रुकेगी नहीं, और ये जाहिर बात है कि अब शिमाल से लेकर नीचे तक की बात है। वहां पर भी मैंने शुरू भी कहा था कि खतरा हकीकी है, गैर हकीकी नहीं है, वहमी और ख्याली नहीं है। इसलिए कि अब जो इस इलाके से जा रहे हैं हिजरत करके कराची, वही उनकी जगह है, वहीं पर उनके रिश्तेदार हैं, महसूद हैं, वजीरी फलां हैं, ये हैं वो हैं, वहां वो जा रहे हैं। और वहां पर भी जाहिर बात है कि जो कुछ हो रहा है अफगानिस्तान में और जो कुछ हो रहा है शिमाल सरहदी सूबे में, उसका एक तसलसल होगा। मैं यहां याद कर दूं आपसे कि तकरीबन 4 साल कबल, बल्कि 4.5 साल, मैं इंतहाई मायूसी को पहुंच चुका था कि पाकिस्तान का वजूद बाकी नहीं रहेगा। मैंने यही तकरीर की है 29 फरवरी 2004, इसी जगह पाकिस्तान जवाब खो चुका, ये इस्लाम के नाम पर था। वेज इस्लाम, जो इस्लाम यहां वो तो भारत में भी है, वो तो अमेरिका में भी है, वो कहां है इस्लाम का सियासी निजाम, इस्लाम का ताजीराती निजाम, इस्लाम का क्रिमिनल लॉ, इस्लाम का सिविल लॉ, इस्लाम के फैमिली लॉज कहां बनाए थे उस शख्स ने जो फील्ड मार्शल बना था, खुद साख्ता जो उसने कवानीन बनाए थे। तमाम उलमा ने कहा था, तमाम मकतब आए थे कि गलत है, तहरीक कोई नहीं उठाई, ये उनकी गलती थी, कोताही थी, जमहूरियत की तहरीक में शामिल हो गए, इस पर कोई तहरीक नहीं चलाई। बहरहाल वो निजाम कहां है, वो निजाम तो कायम नहीं किया, इस हवाले से ही अपना जवाब खो चुका है। नो रैशनल रेजॉन द्यत जिसे कहते हैं फ्रेंच के अंदर, रेजॉन द्यत को किसी चीज की रीजन, रैशनल रैशनल ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं। उसके बाद यह है कि पिछले साल से कुछ मायूसी में कमी हुई। नंबर एक, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के अंदर हिम्मत अल्लाह ने दी, वो खड़ा हो गया। जर्नैलों के जमघटे के अंदर एक सिविलियन आदमी जो है जिस दर्जे का मरूब हो सकता है, आप उसका अंदाजा कर लीजिए। और उसके बाद स्पॉन्टेनियस मूवमेंट वो कल आके अनहोमिश है, सोच नहीं सकते हम। ये मूवमेंट जो है ये कोई स्ट्रीट अर्चन्स की चलाई हुई नहीं है, ये हमारे यहां के गांवों माजों की नहीं है, बल्कि ये तो पढ़े लिखे लोग, वकील, काले कोट, काली टाइयां, पेंट, ये और जो सख्तियां झेली हैं उन्होंने, अभी तक वो तहरीक चल रही है। अगर इससे जाहिर बात है वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी वो तेजी और तुंदी में तो कभी आई नहीं, और हुकूमत को मौका मिला उनके अंदर कोई रिफ्ट पैदा करने का भी। लेकिन बहरहाल इन दोनों चीजों से मेरी मायूसी में कदरे कमी हुई। अब दूसरी बात वो थी 18 फरवरी के इलेक्शन का पुरअमन तौर पर मुनक्किद हो जाना। मैं ये समझता था कि जो उसके अंदर दखल अंदाजी है, रिगिंग हो ही होवे, कैसे मुमकिन है पाकिस्तान में इलेक्शन हो और रिगिंग ना हो, फिर तहरीक चले ही चले, क्योंकि तहरीक तो चल रही है पहले से, सिर्फ उसके ऊपर तेल और डालना है ना, और फिर बदमनी हो ही हो, और फिर दोनों तरफ गिद्ध बैठे हुए हैं, द नेटो फोर्सेस इन द वेस्ट, इंडियन फोर्सेज ऑन द ईस्ट, दे विल मार्च इन टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान के एटमी दांत तोड़कर पाकिस्तान विल बी पुट एट द मर्सी ऑफ इंडिया, भारत, नाउ डू व्हाट एवर यू लाइक। कॉन्डोलीज़ा राइस का मैं आपको बयान बत सुना चुका हूं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अमरीका और भारत भी करते। बहरहाल अब तीसरी जो उम्मीद हुई है ये कल परसों में जो हुई है, कोलिशन जो है ये नाकाम होती नजर आ रही थी, लेकिन ये कि सदर के मुआवजे पर या सदर के खिलाफ जो एक कार्रवाई हो रही है, अल्लाह करे कि वो पूरी हो जाए, या उससे भी बेहतर है कि वो खुद ही इस्तीफा देकर दफा हो जाए। बहरहाल ये कि इससे भी कुछ उम्मीद का पहलू जो है पैदा होता है।
اب یہاں اسلامائزیشن کا پرامن تدریجی اور اسلام اور دستوری اور قانونی طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ کیا ہے؟ 1949 اور 50 میں جو عمل شروع ہوا تھا جو اس کے بعد سے آج تک جو ہے ختم ہو گیا, اس کو اصل دور شروع کیا جائے, دور پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو. 49 میں کیا ہوا تھا؟ قرارداد مقاصد, وہ گویا کہ پاکستان میں نظام خلافت کی جڑ تھی جو رکھ دی گئی تھی کہ سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ اینڈ وٹ ایور اتھارٹی وی ہیو اٹس اے سیکرڈ امانت. یہ تو اصل میں استعمال کی جائے گی یہ قوت کتاب و سنت کے دائرے کے اندر. دس از خلافہ, ان ایسنس اٹ از خلافہ, خلافت کی بنیاد رکھ دی گئی. اس سے پہلے 48 میں سن 47 کی ایک تقریر کی وجہ سے جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی قائد اعظم کی 11 اگست کی, اس کا انہوں نے کراچی کی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں جا کے کہہ دیا تھا. کچھ لوگ شرارت کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دستور شریعت پر مبنی نہیں ہوگا, یہ فتنہ ہے, غلط کہہ رہے ہیں, نفی کر دی تھی. اب یہ دوسری بات ہے کہ اندھوں کے اندھے جو ہیں وہ اس 11 اگست کی تقریر کو لیے پھرتے ہیں اس کے ایک جملے کو, اور یہ اتنی کھلی بات جو کی, شریعت کا لفظ, شریعت, پاکستان کا دستور جو سمجھتا ہے کہ شریعت پر نہیں مبنی ہوگا وہ غلط کہتا ہے, وہ شریر ہے, شرارت پیدا کر رہا ہے, یہ قائد اعظم کے الفاظ. بہرحال اس کے بعد ایک عمل کیا ہوا تھا 1950 میں, یہاں کے سیکولر عناصر نے ایک بڑا شور مچایا, کس کا اسلام لاؤ گے, شیعہ کا, سنی کا, دیوبندی کا, بریلوی کا, وہابی کا, کس کا اسلام؟ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ان بزرگوں کو, پاکستان کے تمام مذہبی مکاتب فکر کی ٹاپ کی قیادت جمع ہو گئی کراچی میں, شیعہ بھی, اہل حدیث بھی, بریلوی بھی, دیوبندی بھی, 31 علماء, جماعت اسلامی بھی, مولانا مودودی بھی اس میں تھے. انہوں نے 22 پرنسپلز ایگریڈ اپون, دستور بنانے کے لیے 22 پرنسپلز ہیں, حاضر ہیں, بناؤ دستور. اب کوئی دلیل نہیں رہی, کوئی عذر نہیں رہا, تمام مکاتب فکر کے لوگ جمع. بعد میں ہوا کیا ہے, اس میں کس کا کتنا رول ہے, یہ بڑی درد بھری داستان ہے, میں اس وقت کو چھیڑنا نہیں چاہتا. حاصل کیا ہے, وہاں سے ہمارا پروسیس ڈیریل ہوا, کچھ اپنوں کے کیے, کچھ بیرونی دباؤ کے تحت. قرارداد مقاصد کی سزا دی گئی لیاقت علی خان کو, تم نے پاس کرائی ہے, اسے ایسے قتل کیا گیا کہ سراغ تک نہیں ملا کہ کس نے قتل کیا. یہ ایسے ہی تو نہیں ہوتا, اسے پیچھے بڑے بڑے کریکٹرز, بڑے بڑے کردار. اب اس کے بعد وہ عمل کیسے شروع ہو؟ ضیاء الحق نے جو ایک ادارہ قائم کیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ, اصولی اعتبار سے بہترین قدم تھا. وہ کیا تھا؟ یہ شریعت کورٹ ہے, اس میں کوئی شخص لائے پیٹیشن کہ پاکستان کا فلاں قانون جو ہے میں ثابت کرتا ہوں کتاب و سنت کے منافی ہے, یا کورٹ سو موٹے لے لے کسی بھی معاملے کو, ایگزسٹنگ جو قوانین ہیں ان کا جائزہ لے کہ اس میں یہ پورا قانون یا اس کی یہ شق جو ہے یہ خلاف شریعت ہے, اس پر آرگومنٹ ہوں, دونوں طرف کے دلائل ہوں, علماء بھی آئیں, وکلاء بھی آئیں, بحث کریں. شریعت کورٹ, کورٹ کا تو میدان ہوتا کھلا, بالآخر اگر کورٹ فیصلہ دے دے کہ ہاں یہ ایگزسٹنگ قانون یا جو قانون قابل زیر غور ہے بننے جا رہا ہے یہ خلاف شریعت ہے یا جزوان شریعت کے خلاف ہے, تو وہ اسے کینسل کر دے گا اور کہہ دے گی کورٹ کہ اگر یہ مرکزی معاملہ ہے تو مرکزی حکومت, صوبائی معاملہ تو صوبائی حکومت, اتنی مدت میں 3-4-6 مہینے کے اندر اندر اس کی آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لیں, جیسے ہی مہلت ختم ہوگی یہ قانون ڈیفنکٹ ہو جائے گا. اصولی اعتبار سے اس سے زیادہ صحیح سکیم کوئی نہیں سوچ سکتا, آج بھی میں قائل ہوں اس کا. لیکن یہ بدبختی تھی اس شخص کی, ضیاء الحق کی, اس کو بالکل غیر مؤثر کر دیا. دو ہتھکڑیاں پہنا دی, دو بیڑیاں پہنا دی. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کے دائرہ کار سے خارج ہے, یہ سیکرڈ کاؤ ہے, ہاتھ نہ لگانا. جو
जुडिशियल प्रोसीजरल लॉज हैं, जाब्ता दीवानी, जाब्ता फौजदारी, ये भी तुम्हारे दायरे से खारिज है। माली मामलात 10 साल तक खारिज, और फैमिली लॉज मुस्तकिल खारिज। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब करने का काम क्या है? नंबर एक, फेडरल शरीयत कोर्ट के दायरे पर जो तहदीदात हैं, लिमिटेशन खत्म की जाए अक्सर। नंबर दो, उसका स्टेटस कम से कम हाई कोर्ट के दर्जे का होना चाहिए। नंबर तीन, इसमें जय्यद उलामा को लाकर बिठाया जाए, उनकी मेजोरिटी होनी चाहिए, वो कला भी हों, जदीद तालीम के, जदीद कानून के जानने वाले, लेकिन उलामा भी हों। अगर आप जय्यद उलामा को ले आएंगे तो फिर वो जो आम मौलवी है बेचारा, वो जो पूरी तरह नीम खानदा है या नीम तालीम याफ्ता है, या हमारा आम आदमी है जो तालिबान के अंदाज के अंदर वो शिद्दत पसंदी पर आ गया है, उसे ये अंदाजा नहीं है कि दीन में अहमियत क्या, किस शय की अव्वल है, फिर दूसरी कौन सी, सानवी शय कौन सी है। अब उसके बजाय उलमा, जदीद उलमा, तमाम जो है मसालिक के उलमा उसमें शामिल किए जाए। इसके फैसलों पर नजर सानी का खुला मौका होना चाहिए, एक दफा अदालत फैसला कर दे तो नजर सानी का मौका होना चाहिए। और किसी शहरी की तरफ से पिटीशन आए या सुओ मोटो, वो जायजा ले और एक एक करके कवानीन जो है गलत खत्म, उनकी जगह पर लेजिस्लेशन पार्लियामेंट्री करेगी या सूबाई असेंबली करेगी, कोर्ट का काम लेजिस्लेशन नहीं है। वो ये कह सकता है ये भाई ये मामला जो है शरीयत से तजावुज कर गया है, या फला जो कानून तुम बनाने चले उसकी ये शिक जो है शरीयत के खिलाफ है, बस फैसला ये देगी। जाहिर बात है लेजिस्लेशन उसका काम नहीं, लेजिस्लेशन तो करेगी आपकी नेशनल असेंबली करेगी, आपकी सूबाई असेंबली करेगी, लेकिन वो उसका मुतबादिल कानून ले आए और पहला कानून खत्म हो जाए। अच्छा, इस अरसे के दौरान जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी पर अरब रुपया खर्च हुआ है, उसकी रिपोर्टों के अंबार लग गए हैं, किसी एक सिफारिश को भी आज तक पार्लियामेंट में पेश नहीं किया गया, और इसमें जय्यद उलमा रहे हैं और तमाम मकातिब फिक्र के उलमा रहे हैं। इनकी रिपोर्टों को रफ्ता रफ्ता पार्लियामेंट के सामने लाया जाए और इनके जरिए से नई कानून सानी की जाए। अगर आप ये कानूनी दस्तूरी रास्ता खोल देंगे और तजदीदन इस तरीके से इस्लामाइजेशन ऑफ लॉज ऑफ पाकिस्तान हो जाए, तो जाहिर बात है कि फिर जो दहशतगर्द हैं, दहशत पसंद हैं, जिनको आप खतरा कह रहे हैं, खतरा, तालिबान आनंद, तालिबान आ गए, तालिबान आ रहे हैं, अब डरो और बचो और मुकाबले की तैयारी करो और असलाह तैयार करो, अगर ये काम करेंगे तो फिर जाहिर बात है कि वो तो फसाद होगा, और फसाद का नतीजा क्या निकले वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन ये प्रोसेस जो मैंने बयान किया है, अगर इस पर अमल हो जाए तो ये वो प्रोसेस है जिसे जनरल हमीद गुल ने कहा था कि अगर ऐसा हो जाए तो ये सॉफ्ट रेवोल्यूशन होगा, बगैर तशद्दुद के, बगैर किसी और के, अगर नीयत ठीक है, और अगर ये वाकई जैसे कायम अली शाह ने समझ लिया है और जैसे कि जुल्फिकार मिर्जा ने समझ लिया है, इस्लामाइजेशन अगर उसको सब समझ ले, जरदारी भी समझ ले और नवाज शरीफ भी समझ ले और सब समझ ले, तो जाहिर बात है कि फिर किसी तोड़फोड़ के बगैर, किसी और बदअमनी के बगैर, किसी तशद्दुद के बगैर इस्लामाइजेशन यहाँ हो जाए तो सबके दिल खुश हो जाएंगे और ये सारा जो भी तशद्दुद है, ये दहशतगर्दी है, उसके रास्ते बंद हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते तो गैर तालीम याफ्ता या नीम तालीम याफ्ता, जिनको कोई पूरा तस्वुर नहीं है, न दुनिया के हालात का इल्म है, न शरीयत के जो असल मसादिर और मनाबे हैं, असल सोर्सेस उन तक रसाई है, बस कुछ चीज़ें सुन रखी हैं, ये तो मालूम है उन्हें कि दाढ़ी रखनी है, सुन्नत है, लेकिन ये कि ये फ़र्ज तो नहीं है भाई, फिर इसकी कोई ख़ास मकदार तो मुय्यन नहीं है, ये तो नहीं जानते है। वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, उनमें गाने हैं, उसमें आपको मालूम है कि उरियानियत है, जो भी वीडियोस हैं, और वो तो उनको जलाएंगे उनकी दुकानों को। आप तालीम दे रहे हैं लड़कियों को, वो जानते हैं जो तालीम आप देना चाहते हैं, आप तो डांस को की तालीम को भी वहां पर नाफिज कर रहे हैं, आपने तो तालीम का शोभा ही दे दिया इस्माइलियों के हाथ में, लिहाजा उनका तो रद्द अमल होगा, हो गई हो। इसका रास्ता अगर रोकना है तो उस प्रोसेस से जो मैंने बयान कर दिया है, जिसको मैं बयान कर रहा हूं ना मालूम कब से, नवाज शरीफ साहब, उनके वालिद,
मियां मोहम्मद शरीफ साहब मरहूम और शहबाज शरीफ साहब और अब्बास शरीफ साहब चारों मेरे पास आए थे, दो दफ़ा आए थे। अब मैंने ये तरमीमी बिल पेश किया था जिसमें कि जिसके आइटम मैंने आपको गिनवा दिए। बहरहाल नहीं किया कुछ उन्होंने, लेकिन ये कि अगर ये नहीं करेंगे तो ये कि दूसरी तरफ ये समझ लीजिए इस वक्त पाकिस्तान के दीनी मदरसों में शदीद तहरीक चल रही है। लाल मस्जिद ये एक सिंबल बन चुका है, ये एक अलामत है, और ये मिलिटेंसी की तरफ बहुत बड़ी तादाद में, खासतौर पर जो तालिब इल्म हैं अरबी मदारिस के, तालिबान की सोर्स यही तो है ना, यही थे जिनसे कि अफगानिस्तान में तालिबान उभरे थे और यहीं से पाकिस्तान के उभर रहे, इनके अंदर शदीद लहर है और कोई बहुत बड़ा फसाद हो गया अगर खुदा न खास्ता तो दैट विल बी द एंड ऑफ पाकिस्तान। इससे बचना है तो वो रास्ता इख्तियार करें जो मैंने बयान कर दिया है, जो मैं साल हर साल से बयान कर रहा हूं, दस्तूर का तरमीमी बिल बना कर दिया है, उसे आम भी किया है। अलबत्ता इस अरसे में जाहिर बात है कि हम क्या करेंगे, हमारा कोई प्रोग्राम किसी मिलिटेंसी की तरफ जाने का नहीं है, हम उसे मुफीद नहीं समझते बल्कि मुदिर समझते हैं, ये काउंटर प्रोडक्टिव है। हमारे सामने प्रोग्राम क्या है, से निकाती प्रोग्राम, बड़े पैमाने पर दावत ईमान बजरिया कुरान नंबर एक, मेरी तमाम सरगुजश्त खोए हुओं को जस्तजू, मेरी सरगुजश्त जो है 50 साल से इसी में है, कुरान का पढ़ना पढ़ाना सीखना सिखाना आम करना, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी टीम तैयार कर दी है मैंने अल्लाह के फजल से जो ये काम कर रही है। दावत ईमान बदरिया कुरान, और जो ईमान वाकईतन ले आए जिसका सबूत होगा शरीयत पर अमल, जिस चीज पर अमल किया जा सकता है और नहीं करते तो आप मुजरिम। हां जाहिर बात है इस एक हिस्सा ऐसा है जिस पर हम अमल नहीं कर सकते जब तक ये निजाम ना बदल जाए, चोर का हाथ मैं नहीं काट सकता, आप नहीं काट सकते, लेकिन जितने पर अमल मुमकिन है उस पर अमल, ऐसे लोगों को ऑर्गेनाइज किया जाए, बैठ का निजाम, मसनून निजाम, कुरान में मासूर मसनून मंसूस, ये सारा निजाम उसकी बुनियाद। एक आदमी का, वो आदमी कहेगा बढ़ो तो बढ़ो, वो कहे रुक जाओ तो रुक जाओ। नंबर तीन, इन लोगों का तज़किया, और मैं बता चुका हूं तज़किया और तरबियत, तज़किया किस बात की, कोई उमंग कोई वलवला कोई मकसद कोई तमन्ना दिल में ना रहे सिवाय अल्लाह की रजा के, हुकूमत मतलूब ना हो, इख्तदार मतलूब ना हो, मालो दौलत मतलूब ना हो, अल्लाह की रजा और आखरत की फलाह। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, हजरत मजनू का मिसरा, अब तो आजा अब तो खलवत हो गई, ऐ अल्लाह तू आजा मेरे दिल में, मेरे दिल से हर तमन्ना निकल चुकी है, खलवत है। और तरबियत किसकी, कि तैयारी हो जाए इस बात की कि तन मन धन सब लगा दे, जान भी दे देंगे जब जब मौका आए। चौथा क्या, कि जब तक ये तादाद काफी न हो, ये नहीं है कि 150 आदमी लेकर किसी एक जगह पर किसी लाल मस्जिद को हम मरकज बनाकर बैठ जाएं, नारा लगा दें, नहीं, मुल्कीर जमात और वो भी मोहतदबे तादाद पे, वो जब तक नहीं होती तो हम यही तीन काम करेंगे, दावत ईमान बदरिया कुरान, तंजीम बदरिया बैत मसनून बैत, तस्किया और तरबियत करते रहेंगे। बानशाह दरवेशी दरसाद दमादम, यही काम करते रहो, नो मिलिटेंसी, नो इलेक्शंस, लेकिन जब तादाद काफी हो गई तो एक मुनज्जम और पुरअमन मुतालबाती और एहतजाजी तहरीक, तोड़ फोड़ नहीं, घिराव जलाओ नहीं, जैसे गांधी ने शुरू की थी, नमक बनाओ तहरीक, सिविल डिसोबीडियंस, लेकिन किसी ने कोई तोड़ फोड़ नहीं की थी, अपने सर उनके फूटे हैं बड़े से बड़े लीडरों के, मौलाना अबुल कलाम आजाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सर फटे हैं, हजार हा लोग जेलों में गए हैं, उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, इसी का नक्शा ईरानियों ने दिखाया, 20,000 से लेकर 30,000 तक जाने दे दी, हथियार नहीं उठाए, इसलिए कि हथियार भी इस्तेमाल करोगे तो ऊपर जो हुकूमतें हैं उनके पास तो बेतहाशा फौज है, उनके पास टैंक है, उनके पास हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर्स हैं, गन से भरे हेलीकॉप्टर्स हैं, क्या क्या नहीं है, पुरअमन मुनज्जम
مطالباتی اور احتجاجی تحریک۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس کے لیے جو مہلت درکار ہے وہ مل جائے، ہمیں معلوم نہیں کہ کہیں وہ مہلت ختم ہی نہ ہو رہی ہو، لیکن اگر ہم آخری سانس تک اس کام میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم معذور قرار پائیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں درگزر ہم سے فرمائے گا کہ جو کچھ میں کر سکتا تھا اللہ میں کرتا رہا، آخری دم تک کرتا رہا، اگر یہ ہے تو اپنی تو کامیابی ہے، باقی کیا ہوتا ہے ملک کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔